2 साल की बच्ची के साथ शादी की तो पीडोफाइल था ना, तो उसमें नहीं गलती भाई क्या मेरी है? बात है, फिर तुम्हें फिर हिस्ट्री में सबको पेडोफाइल करना पड़ेगा। ओके, जितने लोगों ने 9 साल की बच्चियों से शादी की वो पीडोफाइल थे, मैं मैं कहूँ कहता हूँ। ज्यादा ज्यादा मेजोरिटी में तुम राम को क्यों नहीं कह रहे पेडोफाइल? अगर उन्होंने 18 साल की बड़ी उम्र से 9 साल की बच्ची से शादी की तो वो भी पीडोफाइल थे। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करूं कि तुम आप हमेशा ये बताना कि तुम आपका आर्ग्यूमेंट कितनी जल्दी डिबंक हो गया है, क्योंकि नहीं राम नहीं जी नहीं जो हुआ राम नहीं जो हुआ थे, नहीं सुन हुआ। ले मैं मैं एक काम का बताता हूँ, आर्ग्यूमेंट मैं सुन बताता लो, हूँ, काम रुके 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 का रुके रुके, आर्ग्यूमेंट सुन लो। लिसन टू मी, तुम्हें लिसन डबल टू भी मी। कुछ नहीं किया, तो अरे यार लिसन टू मी हुसैन, बोलो बोलो आप आपको ये जरूर पता है कि वो जब उन्हें शादी की तो वो लड़की जो थी, मुझे नाम भूल गया कौन थी, सीता, सीता जी, सीता 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 जी, सीता। वो कोई 9 साल की थी, तो राम जी भी उस वक्त 14 ईयर्स के थे। तो ये गलत है ना, पीडोफाइल पीडोफाइल होने के लिए जो लड़का है उसको 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तब पीडोफाइलिया होता है, वरना पीडोफिलिया नहीं होता। तो अच्छा मैं बेसिकली बताऊं, आपका आर्ग्यूमेंट तमाम हो गया, बच्चों की नहीं बच्चों नहीं से हुआ शादियां ना, होती थी पुराने नहीं जमाने हुआ। में। ओके ओ प्लीज भाई बोले बोले तो नहीं हुआ। बोले मैंने काफी हिंदुओं से बात की है, कोई बोलते हैं रेफरेंस राउंड 40, रेफरेंस के साथ, रेफरेंस के साथ। मैं रेफरेंस में नेक्स्ट टाइम लाता हूँ, मैं अभी रेफरेंस ओके, मैं आपको बताया था आप रेफरेंस नहीं ला सके, आप मर जाएंगे रेफरेंस नहीं लाएंगे। क्यों? आगे मैं क्योंकि ले जो आया। मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे पास इस वक्त दो मुल्ला हैं, वो मौलाना शराफुद्दीन है हरामुद्दीन, जिसका नाम है लुलियास हरामुद्दीन, हाँ उसका असल नाम है इलियास डॉक्स शराफुद्दीन। क्यों नहीं, मैं उसको डॉक्स करता हूँ, क्योंकि वो मुझे गालियां निकालता है और वो मुझे प्राइवेट पार्ट वाली गालियां निकालता है, तो मैं उसको कम अज कम हरामुद्दीन जरूर कह सकता हूँ। उसकी एक वीडियो है मेरे पास जिसमें उसने बताने की कोशिश की थी कि आयशा जो है ना बड़ी हो चुकी थी, छोटी सी वीडियो है, आप देख लीजिएगा। उसने जो रेफरेंस स्क्रीन पे शो कराया ना, उसमें भी राम जी जो है ना 14 साल के थे, 14 ईयर्स के, उसने भी जो शो कराया उसमें 14 ईयर्स थे। तो मेरे भाई, फॉर बीइंग पीडोफिलिया द डेफिनेशन इज कि एक एडल्ट मैन जो है वो छोटी बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, मैं एक हिंदू ही नहीं हूं, आप मुझसे आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं? ये वाला आर्ग्यूमेंट तो आपको हिंदुओं से करना चाहिए। ठीक है अच्छा, मेरा ये बात ये है, क्योंकि तुम एक बात नोट करो कि हमेशा बाद हजार आयशा की एज पर आती है। ओके, मैं तो नहीं लाता, अच्छा मैंने ये आपने सब एक लेके बात की आते है हैं, ना, देखिए अच्छा सब लेके आते हैं, तो मैं ही आपने कह रहा एक हूँ। आपने एक बात की है, मैं तो सर अच्छा 5 दफा लोगों को डांटता हूं कि भाई क्यों हर दफा यही ले आते हो, अच्छा मुसलमानों। चलो इस पे बात नहीं करते हैं ना, हम क्या बात कह रहे थे? हाँ ईद उल अजहा की बात कर रहे थे। हम ईद उल अजहा की बात कर रहे थे, इसके बारे में मैं चेक करूंगा, रिसर्च करूंगा, ठीक है? तुमने मुझे ये मुझे बाद बताइए, में हाँ कुरान में लिखा हुआ है कि इब्राहिम को दिखाया गया कि वो अपने बेटे की, जो सा भी बेटा था, क्योंकि आपने वेरीफाई करना, मैं नहीं बोलूंगा आइजिक था या इस्माइल था, कुरान में लिखा हुआ है कि बेटे, उसको कहा गया, उसको दिखाया गया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी कर रहा है, राइट? और फिर वो कुर्बानी करने चला गया। अच्छा इब्राहिम को क्या यकीन? मगर तुम ये बात तो मान दो, सेक्रीफाइस हुआ था, इस टाइप की कोई चीज हुई थी, ठीक हाँ, मैं मान रहा हूँ, कोई मसला नहीं है इस चीज में, है? कम अज कम मानूंगा एक तो बात फिर, हो, एक बात हो तो मानूंगा मान तो फिर लो। आगे चलेगा ना, वरना तो फिर बात आगे नहीं चलेगी। कोई हाँ अब बात मसला ये नामों के ऊपर, हुए आइजिक थे या इस्माइल थे, करेक्ट? ना कोई एक थे दोनों में से, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके, अच्छा अब अच्छा दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि जब भी जब इस्लाम की बात आती है, तब से पहले अटैक होता है हजरत आयशा की एज पे, गोली मार देना यार उसको, मैं नहीं कर रहा ना अटैक। मगर सब लोग करते हैं, अभी हम आइजे को इस्माइल पे बात करना, कुर्बानी ठीक है? हाँ आज में। देखो, ठीक है, आपने कम आज से कम आज आपने ईद की नमाज पढ़ी है? क्या पढ़िए। न्यूयॉर्क टाइम हो रहा है इस वक्त न्यूयॉर्क में? में यहाँ पे 4:05 अच्छा, कुर्बानी दी है। कुर्बानी के मैं चैरिटी दी थी। ओके, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर काम किया, करेक्ट? हाँ अब अल्लाह मियाँ, कितने पेगन अल्लाह मियाँ होंगे कि उन्होंने एक बच्चे की कुर्बानी की बात की और वो बच्चे की कुर्बानी करने चला गया, क्यों? टेस्ट क्यों बगैर की तो नहीं ना, टेस्ट था वो, वो करने तो गया ना, हाफ आर यू के गो, दैट्स इट, पॉइंट नो नो, प्रूवन। वो जब वो करने जा रहा था तो उसको तो पता था ना कि वो करेगा, हाँ मैंने यही तो कन्नी मसला है, नहीं दी ना, कन्नी नहीं दी तो यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हारे खा में कन्नी देनी चाहिए थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसने करने की कोशिश ही क्यों की, कैसे? अरे भाई इट वाज अ टेस्ट, बच्चे की कुर्बानी टेस्ट, उसकी अपनी कुर्बानी होना चाहिए टेस्ट, उसके बेटे की कुर्बानी क्यों टेस्ट है? अरे अब बेटा भी तो तैयार हो गया ना, बेटा ने भी कन्विंस कर लिया ना अपने आप को, मैं यही बाप तो को कह रहा हूं, कन्विंस कर लिया। वो तो बाप की
खुशनुदी के लिए तैयार हो गया क्योंकि छोटा सा बच्चा था। प्रॉब्लम यह है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इब्राहिम की कुर्बानी होनी चाहिए तो इब्राहिम की अपनी कुर्बानी होनी चाहिए थी, बेटे की क्यों? अल्लाह ताला तुमसे वो चीज मांगते हैं जो तुमसे ज्यादा सबसे सबसे मेरी देखो अपनी जान से ज्यादा क्या चीज कीमती हो सकती है? अच्छा अच्छा मेरे नजदीक मेरी सबसे ज्यादा सबसे अजीज तो दुनिया में मुझे थी मेरी अम्मा थी, ठीक है, और उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, अब और जब शादी हो गई मेरे तो अब अम्मा नहीं रही, अब अच्छा अम्मा अजीज नहीं रही, अब बीवी अजीज अच्छा हो गई। अच्छा 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 मेरी बात सुन लोगे, मैं समझा रहा हूँ। मैंने अल्लाह की दुआ करी थी उस वक्त, मैं बिल्कुल मैं एक्स मुस्लिम होने लगा था, मैं इस्लाम छोड़ने वाला था। और मैंने अल्लाह ताला से, जब मुझे कोविड हुआ था, कोविड में मेरी हालत बहुत खराब थी और मेरी अम्मा भी कोविड की वजह से चली गई, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मैं ना खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ, ना सो सकता हूँ, ना चल सकता हूँ, ना बाथरूम जा सकता हूँ, या अल्लाह ताला मुझे उठा लीजिए, मेरी अम्मा तो रही नहीं। और तकलीफ में मैं हर वक्त अपनी अम्मा को पुकार रहा था, अम्मा क्यों चली गई, क्यों चली गई, क्यों चली गई मुझे छोड़ के। तो मैं बिल्कुल अकेला था, रोता था मैं, और मैं जब भी मुश्किल से मेरी आँख लगती थी, फिर आँख लगती थी, मैं खुद ही लगता है कहीं मैं मर तो नहीं गया, कि मौत का फरिश्ता तो नहीं आ गया, तो मेरी वो फीलिंग होती थी। तो अल्लाह ताला ने मुझसे एक एक बहुत ही अजीब चीज मुझसे ले ली, मगर अल्लाह ताला ने मुझे अकेला नहीं रहने दिया। जिस आदमी की 40 साल तक शादी नहीं हुई, उसकी फौरन 1 साल बाद शादी हो गई। मेरी अपनी वाइफ से मैं मिला, मैं अम्मा के 2 महीने बाद, और 6 महीने बाद मेरी मंगनी हुई, और उसके 6 महीने बाद मेरी शादी। अल्लाह ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यार भाई बात सुनो, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टुपिडिटी, राइट? आपकी नहीं, भाई तुम्हारा वेरी तुम्हारा बहुत नथिंग अच्छी टू बात डू है विद यार। अल्लाह। पहली बात यार, एवरीवन एल्स प्लीज प्लीज स्पीक। यार नहीं उसको चुप करा दो, उसको चुप करा दो, मैं हां, मैं तुम्हें करा दी, मैसेज। करा दिए यार, करा दिए हुसैन, करा दिए। अब कोई मजीद बोलेगा भाई मैं उसे रिमूव कर दूंगा। हुसैन भाई के साथ मुझे बात करने से, बड़े अच्छे भाई हैं। अच्छा हुसैन भाई, देखें बात ये है, इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रॉब्लम ये है कि इब्राहिम को या तो खुद ये खुद कुर्बान होना चाहिए, या इब्राहिम के पास ऐसी कोई खास किस्म की पेशन गोई होनी चाहिए अल्लाह की तरफ से कि मेरा बच्चा बच जाएगा, वो बताएं, वरना इब्राहिम अपने बेटे को हकीकतन जिबा करने जा रहा था, तो जा रहे थे, यस, हल्दी को हकीकतन शक जा रहे नहीं, थे। मगर ये पॉइंट है वो हुआ नहीं, दैट इज पेगनिज्म, जस्ट नॉट पेगनिज्म। दैट इज पेगनिज्म। पेगनिज्म तो हैव टू डू विद आइडल वर्शिपिंग। पेगनिज्म में उस जमाने में बच्चे जिबा हो रहे थे। तो इब्राहिम अल्लाह के ताला ने खुदा तो ने, अगर देखो, अगर अल्लाह मेरे पास आता है, अज्यूम कर लो कि अल्लाह की आवाज मुझे आती है ख्वाब के अंदर, ठीक है, और वहां पे आके अल्लाह क्या कहता है, ए एडम, अपने बड़े बेटे को कुर्बान कर दे, कहूंगा दुर फिटे मुझ शैतान की औलाद, दबा वो रहे यहां से। शैतान ही होगा, वो शैतान ही होगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ओके सेम भाई सिनेरियो इब्राहिम के साथ है, भाई भाई, बात इब्राहिम ये ने है तो कि शैतान को नहीं एक माना। मिनट एक मिनट, मेरी खाना बन रहा है, इसकी वजह से मैं नीचे जाता हूँ। रुको, काश तुम घर पे आते, मेरे घर में वो कोरमा बन रहा है, शिम बिरयानी बन रही है और दम तो कीमा मुझे बन खुद रहा है ही खाओ यार, आप काफी गरीब भाई। मैं मिस्कीन वो हो, मुझे नहीं हूँ पता है जो तुम्हें डॉक्स करेगा, तुम्हें एक्सपोज करेगा, तुम्हें कवर करेगा, मैं वो आदमी यार, नहीं आप हूँ। सिर्फ 4,000 रुपया कमाते हो, मैं कैसे आपके पास आऊंगा? आप गरीब बंदे हो, अरे भाई, मैं कहाँ गरीब बंदा, दिल तो बड़ा है ना, 4,500 सिर्फ कमाते हो, फ्लैट में रहते हो, यार मैं आपके पास कैसे आऊं? लेकिन क्यों नहीं आ सकते, दिल तो बड़ा है ना। मैं नहीं चाहता ना मैं आपको बोझ बनूं। दैट्स वेरी मीन मैन बाय द वे। नहीं, नो दैट्स नॉट मीन, मैं आपके बोझ नहीं बनना चाहता यार। वो मेहमान को बोझ नहीं होते। मेहमान बोझ नहीं होते, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मोहम्मद साहब पे तो थे ना, या तुम ना एक ही बात पकड़ के बैठ जाते हो ना, बत्ती बना के तो चलो कोई बात नहीं, ना। हम आगे चलते हैं। तो अच्छा, बेसिकली हम कहाँ थे? हाँ, वहाँ थे, अब अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखें, सुनो, बात अल्लाह यह है, ताला, बात यह है कि अच्छा आपने लास्ट में मुझे बोला था कि आप जाते हैं जगह जगह, कोई जुआवा विटनेस वाले या कुछ इस टाइप के लोग बैठे आपको तबलीगे कर रहे होते हैं, आपने कभी उनसे ये वाला सवाल किया? क्यों नहीं, मैं उन जुआ बच्चे से मैं बात नहीं करता। नहीं करते हो? कभी कभी कर लिया करें, नहीं, वो उनको उनको साथ तो उनको छेड़ने का कोई फायदा नहीं है, वो वैसे छिड़े हुए लोग हैं। है वो कि कत्ल करते हैं, कोई मारते हैं, कोई चपेट मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं नहीं ऐसा? नहीं 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 मैं उन लोगों का अपना प्रचार करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ओके, लेकिन जैसे तुम अपने व्यूज का प्रचार करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसी वजह नहीं पाता भाई। मैं मेरा पॉइंट ऑफ अनिल व्यू कुमार ये जी, है, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया मेरा आपका सर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम्हें इस्लाम छोड़ने का पूरा हक है। तुम्हें नहीं मानो इस्लाम को मत मानो, अगर तुम्हें इस्लाम को क्रिटिसाइज करना है तो करो, मगर क्रिटिसिज्म के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। एक स्कॉलरली वे होता है और एक सड़क छाप वे होता है। तो तुम अगर अपनी 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 अपनी, अपनी क्रिटिक से अब्यूसिवनेस निकाल दो और इस टाइप के लोगों को नहीं दिया करो जो तुम्हें गालियां देते हैं, तो तुम्हें भी गालियां नहीं देनी पड़ेंगी। सर मुझे क्या पता कौन मुझे गालियां देने आ रहा है। जैसे वो तुम्हें गाली दो तो निकल दिया करो। बा उनको 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 वो तुम्हें छेड़ रहे हैं, तुम्हें गालियां, तो तुम्हें क्यों उनको गालियां देने की जरूरत है? ओके नाउ छोड़ें इस बात को, ये आप नहीं समझे क्योंकि आपने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से निकले जरूर है लेकिन आपने पाकिस्तान में अपनी लाइफ नहीं गुजारी, आपको नहीं पता। और आपने कभी पाकिस्तान में तब्दीली काम नहीं किए, आपको नहीं पता कि हम पाकिस्तान में क्या कुछ करते हैं। लेकिन छोड़ें इस बात को, असल मुद्दे पे आते हैं सर। देखिए मैंने आपसे एक सिंपल सवाल किया, अगर इब्राहिम को नहीं पता था कि उसके बच्चे ने आगे चल के कुछ करना है और वो अगर हाँ फिर भी अपना अपने बच्चे को कुर्बान कर रहा था, इब्राहिम पेगन था, क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये पेगिंग अगेन क्या होता है? तुम्हें क्या बोला था? पेगिंग की डेफिनेशन क्या होती है? जो के कुछ भी हो सकती है, क्योंकि पेगन जो हैं वो लोग थे ना जो कुर्बानी कर रहे थे अपने बच्चों की। नहीं, पेगन तो सूरज की भी पूजा करते थे, चांद की भी पूजा करते थे, इब्राहिम पिलर्स की पूजा करते थे ना पहले, इस्लाम मगर लाने से पहले अब्राहम वो सूरज की पूजा नहीं करते थे, कुरान में भी लिखा हुआ सूरज की पूजा करते थे। अगर नहीं, उसने सोचा था कि शायद खुदा हो सकता है, वी वाज मैं अबाउट आपको टू, दिखाऊं कि वो सूरज को अपना खुदा मान के बैठे हुए थे जब तक कि चांद नजर नहीं आया, तो फिर यस यस ये हुआ था कि ये खुदा हो सकता है। यानी कि उसने उन्हें उसने सूरज, क्या यानी किया कि था कि उन्हें सूरज कब से नजर आना शुरू हुआ था? ये मुझे याद नहीं है, मगर ये है कि ये आज मैंने पढ़ी है, ये आयत इजरायली रिवायतों में भी मिलती है, ये सिर्फ मुसलमान कुरान में नहीं है, ये इजरायली रिवायतों में भी इसराइली मिलती है। तो रवायतों में है ना, तो इसका मतलब है कि मोहम्मद ने रवायतों वाली चीज को कुरान का हिस्सा बना लिया। थैंक यू सो वेरी मच। भाई देखो, एक दफा मेरे पास एक इजरायली कस्टमर आया मेरे ऑफिस में, वो मुझे यार बच्चे की कहानी कहानी छोड़ सुन, दो, कहानी छोड़ दो, रवायतों में लिखा वो मुझे हुआ इसलिए भाई पता है, इसराइली मुझे किताब में तो नहीं है ना? नहीं, वो मुझे ओके ये लेकिन आया, वो इसराइली इजरायली, किताब में ये लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो है वो पिलर्स, यानी के पिलर्स, यानी पिलर्स की पूजा करता था, यानी मीनारों की पूजा करता था। मगर कुरान में ये नहीं लिखा। कुरान में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, तो इब्राहिम पिलर्स की कभी पूजा करता था, पेगन था जब तक वो अल्लाह ने उसे। इजरायली रवाजों से पेगन होंगे, मुसलमान मुस्लिम रवाजों से पेगन नहीं थे। हाँ ओके जब इब्राहिम 80 साल से पहले, जब तक उसके पास नबूवत नहीं आई, किस चीज की पूजा करता था? सूरज ही की, वॉज चांद सर्चिंग की या फॉर गॉड, सितारों की? ही वॉज सर्चिंग फॉर गॉड, हु कुड बी माई गॉड। जब तक वो सर्च कर रहा था उस वक्त, तो मुख्तलिफ खुदाओं का मानना था ना, कभी सूरज को, कभी चांद को, कभी सितारों को। उसको 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 क्यास होते हैं, खुदा हो सकता है, ये चांद खुदा हो तो सकता है, ही करता था वाज ना उसकी श्योर, पूजा, तो मगर उससे क्यास था, उसको डेफिनेटली थे वो, करता था ना। करने का उससे सोचा था मैं करूंगा, अगर ही वाज अबाउट बाउ डाउन में, यार वो डिफरेंट होता है, इसमें तुम नहीं फंसा सकते मुझे। चलो वो चलो चलो एथियस मैं था, चलता हूँ, एथियस मैं था, चलता हूँ, मैं एथियस था, चलता हूँ एग्नोस्टिक था। भाई, उसको बोल सकते एग्नोस्टिक थे वो एट दैट स्टेज, बट ही चलो वाज नॉट एग्नोस्टिक डेफिनेट थे, अबाउट। एग्नोस्टिक फिर भी मुश्किल हुआ ना, मुख्तलिफ खुदाओं को ढूंढ रहा था, मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा कर रहा था। मगर मगर उनकी देखो, एग्नोस्टिक भी कोई बुरा इंसान नहीं होता, क्योंकि वो श्योर नहीं होता खुदा है कि इस्लाम के नहीं। मुताबिक होता है अगर ना, इस्लाम के हाँ मुताबिक होता है, भाई, इस्लाम के कुरान के मुताबिक होता मुताबिक, कुरान तो ये बोलता है कि ढूंढो, सर्च करो, तो ट्रुथ में ढूंढते मिल हैं, जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो एग्नोस्टिक जहन्नम में जाएगा ना। ओ भाई, जस्ट बिकॉज एक चीज लिख दी है, एक का ना गोल्ड स्टैंडर्ड दे दिया है, हाँ तुम ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये करोगे तो दोजख में, मगर एक्सेप्शंस होते हैं कहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है? कुरान की एक आयत दे दो। भाई। देखो कई एक्सेप्शन, मैं जिस अल्लाह को मैं मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। तो अल्लाह तो हाँ बहुत ही बुरा है जिस अल्लाह को आप मानते हैं। एक 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 गोल्ड स्टैंडर्ड है कुरान में, इसका मतलब ये नहीं है कि हर हिंदू जन्नत में दाद, हाँ एक गोल्ड हाँ स्टैंडर्ड है सूरह बनी इसराइल में हाँ ये मिलता है हर हिंदू जहन्नम में कि जाएगा क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं भाई हर किसी को माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क करने वाले को माफ नहीं करूंगा। हिंदू जो है मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा करते हैं, वो शिर्क करते हैं, शिर्क करने वाला माफ ही नहीं होना, जहन्नम में जाएगा। हाँ शर्क नहीं माफ, फिर भी मैं
मैं किसी के बारे में नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल सकता कि तुम दोजख में जाओगे। मेरे बारे में क्यों नहीं बोल सकते? मैं नहीं नहीं बोल, मैं मेरे नहीं बारे बोल में नहीं बोल सकता, सकते? नहीं ओके मैं नहीं बोल सकता। आप ना बोले, इस्लाम बोलता है ना, मैं मुशरिक हूँ। क्या बताता, क्या बताता अल्लाह तुम्हारे दिल में तुम्हें हिदायत देते यू ना बनो। तो मैं वापस इस्लाम में आ जाऊं? हाँ क्या पता आ जाओ, यू ना बनो, ऐसा तो हो नहीं सकता मरते दम तक। क्या पता हो जाए। होने को तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी तबाह नहीं हो सकता, मगर तबाह हो गया था ना, राइट। होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरी जान। ओके चलिए ऐसा करें, थैंक यू सो वेरी मच, आपने जाना है, आप चले जाएं, हैव फन, ठीक फिर है, मिलेंगे। थैंक यू फॉर टेकिंग मी, हाँ थैंक यू, थैंक ओके सर, टेक केयर, बाय यू, बाय। बाय सर। ओह मैन दैट वाज डिफिकल्ट। ओके जी हमारे साथ, ओए चुलबुल पांडे जी, वेलकम सर, क्या हाल है आपके? हेलो 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 एवरीवन, भाई हेलो सर, ओपन ओपन कर दिया सर। भाई 5 घंटा इंतजार किया सॉरी भाई, सर, थोड़ा सा मैं अपने बोर कर सारे गया पॉइंट्स मैंने यार चैट में डाले हुए हैं। पहला पॉइंट है 72 हूर्स इन जन्नत, उस पे इस्लाम गलत है। मूता जो सिस्टम है वो गलत है। औरतों का आधा ब्रेन होता है वो गलत है। किल ऑल नॉन बिलीवर्स, ऐसे ही तो इस्लाम बना है, वो गलत है। सेक्स स्लेवरी, जो लोगों को मारते थे उनकी औरतों को स्लेव बना लेते थे और उनके बच्चों को स्लेव बना लेते थे, गलत बात है। इस्लामिक कंट्रीज वर सम ऑफ द लास्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू अबॉलिश स्लेवरी। फिर मोहम्मद ने जो 6 साल की आयशा के साथ शादी की और 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स किया, इसका मतलब मोहम्मद एक पेडोफाइल है। ये कहने की बात है। मोहम्मद अपनी जो बहू है उसको उसने नंगा देख लिया, तो उस बात पे उसने अपने बेटे से उसका तलाक करवा के उसके साथ सर, खुद। ये गलत बात है सर। नहीं सर, ये प्रूवन बात नहीं है, सही में नंगा नहीं देखा था, प्लीज ऐसा ना कहें। कम अच्छा कपड़ों में चलो, देखा था, देख कम दे कम कम कपड़ों कपड़ों में देख लिया था, चलो ठीक है। फिर जो जिहादी और टेररिस्ट होते हैं, ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे होते हैं? जब जब भी कोई जिहादी या कोई टेररिस्ट अटैक होता है, कहते हैं नहीं रे, तो इस्लाम फॉलो ही नहीं करते रे, तो कुछ और सर। है। बाकी लोग म्यूट करने, कुछ फीडबैक आ रहा है यार, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। थैंक यू जी सर, कैरी ऑन। फिर जो एनिमल सैक्रिफाइस है, अगर तुम्हें मीट खाना है मीट खाओ यार, क्यों अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे? गॉड डज नॉट वॉन्ट, के गॉड ने अगर क्रीचर्स क्रिएट किया है, गॉड डज नॉट वॉन्ट पीपल किलिंग इट, राइट? ये तो अगर तुम्हें मारना है तो मारो खाओ, इसमें अल्लाह अल्लाह भगवान इसका क्या लेना देना है, राइट? ये मेरा मानना है। फिर ये कहते हैं कि जो पेगन वर्शिपिंग जो वर्शिपर्स हैं सारा गलत है, ये आइडल वर्शिप करते हैं, जो भी है, खुद ये काबा स्टोन के गोल गोल घूम रहे होते हैं। ये काबा स्टोन मेरे को बताओ पेगन टाइम्स का नहीं है? जी अल्लाह तो मतलब इन लोगों को उल्लू बना रहा है। और उल्लू बने हुए फिर ना, एज पर शिया लॉ जो इनका है कि 4 मुस्लिम मेन हैव टू विटनेस रेप इन ऑर्डर फॉर इट टू बी कंसिडर्ड रेप, नहीं तो जो औरत है जो रेप किया एक्यूजेशन मेक कर रही है उसको स्टोन टू डेथ पनिशमेंट है। ये तो मतलब अब वो कहेगा कि आ जाओ सारे आ जाओ, देखो देखो मैं रेप करने लगा हूँ, वो मतलब दावत देगा लोगों को कि आओ देखो मैं रेप कर रहा हूँ, नहीं वो कहीं सुनसान जगह जाएगा और जो जो उसने करना है वो करेगा, राइट? बिल्कुल सही फिर ये बात। जो उदयपुर में जो इन्होंने जी किलिंग काफी की नहीं है, हो गया, मेरा ख्याल है किसी और को भी बोल देने दे। बस भाई मेरे सारे पॉइंट्स डाले हुए हैं उसमें चैट इतने में, पॉइंट बता सेवेंटी दिए भाई, चार हर और एक पॉइंट पे पॉइंट पूरी पूरी स्ट्रीम बन सकती है। है। फिर जो उदयपुर में जो किलिंग हुई वो भी तो इस्लाम फॉलो कर रहे थे। ताज होटल पे जो अटैक हुआ बॉम्बे में वो भी तो इस्लाम फॉलो कर रहे थे। फिर काफिर जो है फिर भी वो इंसान है जो अपने देश में इन लोगों को रहने की जगह दे रहा है, राइट? इन्होंने पाकिस्तान से तो निकाल दिया था हिंदू और सिखों को। मेरी फैमिली जो है बल्कि रावलपिंडी चकवाल और कसूर से है, तीन मेरे 3 out of 4 ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे नाना जी को हालांकि एक मुसलमान ने बचाया, जब कत्लेआम वो ट्रेनों में चढ़ के वो मार रहे थे, मेरे नाना जी उस टाइम 4-5 साल के एक बच्चे थे, एक मुसलमान ने झूठ बोला कि ये मेरे बेटे हैं, तो नहीं तो वो बच्चे का भी कत्ल कर देते। आपने बता रखा है ये बात, और ये ये काफी मैंने किसी और इंटरेस्टिंग के, हाँ जी, तो है। आप काफी सारे पॉइंट्स लेकर आए हैं, जैसे एडम भाई बोल रहे थे यार, बहुत सारे पॉइंट हो गए यार, अब तो बस करो। यार हाँ पूरे के बस बस पूरे पे बस। और स्ट्रीम एक बन सकती है।
हाँ जी हाँ जी, बस इतना ही है मेरा, इतना ही मेरा है। और फोर्स कन्वर्जन जो इन्होंने किया है वो रॉन्ग है, वो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है। बेशक फोर्स कन्वर्जन के ऊपर मैं 110% एग्री हूं। कन्वर्ट अगर कोई अच्छी अच्छाई के लिए होता है कोई मसला नहीं, क्यों ठीक है यार, हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए। फोर्सिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। शिवा का सनिक, ये सनिक को हिंदी वर्ड है, कोई ट्रांसलेट करेगा? शिवा का सनिक मींस सनिक मतलब सोल्जर। सोल्जर सर, थैंक यू फॉर योर 100 रुपीस सुपर चैट, बहुत बहुत शुक्रिया सनिक, बेहतरीन सर। चलो पांडे जी क्या कहना चाहेंगे सर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको और आपके सारे व्यूअर्स को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और जय राम जी की बोलना चाहूंगा। और थैंक यू चंदल भाई जी। उसके बाद आप, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दें तो। हुक्मन शदीदा सर। तो जी कभी कभी आप एक हदीस का रेफरेंस देते हैं, वो हदीस में हुजूर के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डालती थी। सर मैं नहीं देता सर, मुस्ले देते हैं, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही वो हदीस। तो जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ईद के मौके पर मेरे पास एक गुड न्यूज है कि मुझे अच्छा, मिल गई उस हदीस का रियल वर्जन मिल गया जी। अरे मिल गई, दे सर तो बोल दूं सर, रेफरेंस दे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हजरत मोहम्मद के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी जब आप उसके घर के सामने से निकलते थे। एक दिन उस बुढ़िया ने आप पर कूड़ा नहीं फेंका, तो आप उसके घर में गए और उसके बाद गपा गप आपने उस बुढ़िया का भी गेम बजा डाला। यार बहुत बुरी बात है, नहीं चलो ऐसे नहीं बोलना, सॉरी बोल ले। अजी कमाल, ये सही हदीस है भाई। नहीं सॉरी बोल, बुरी बात, ऐसे नहीं कहना। नहीं नहीं पांडे जी, ऐसे नहीं कहना, फेक चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, सच में हमने नहीं बनाई, हमारे पास इतना कुछ रियल में है, हमें इस तरह की फेक चीजें बनाने की जरूरत नहीं पांडे जी। मुझे लगा कि थोड़ी सी चुलबुली मैं भी कर लूं आज ईद के मौके। नहीं नहीं सर, वो मुसलमान जो है ना इस चुलबुली पे बड़े गुस्से में आ जाएंगे सर, ऐसे नहीं करें। अभिनव जी का सुपर चैट पढ़ें आप, इसी बात पे अभिनव जी का सुपर चैट पढ़ें। तो अभिनव वर्मा जी ने 100 रुपए का सुपर चैट भेजा है, बोलते हैं साहिल एडम आप लोग भी कोई कलमा क्रिएट करो जो कि एक्स मुस्लिम पढ़े और वो एक्स मुस्लिम से एक्स मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, जो एक्स मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए। हमने कलमा बनाया हुआ है, हमने कलमा बनाया हुआ है ला इलाहा इल्ला एडम साहिलुल रसूलुल एडम, तो प्लीज आप ये कलमा याद रखिएगा और जब दिल करे पढ़ लीजिएगा। तो वैसे मेरा इरादा किसी की इमोशंस को बिल्कुल ठेस पहुंचाने का नहीं था, सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा मजाक कर लें ईद के मौके पे, बस और कुछ नहीं। हाँ सर, वो असल में हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे चैनल को बाद में कहे कि जी एडम ने ऐसी चीज को रोका क्यों नहीं, तो इस वजह से रोकना बहुत जरूरी था। तो पार्थिक जी कहते हैं मोहम्मद जैद से बीवी मांग, क्या यार पढ़िएगा वही, यार कोई पढ़िएगा। मोहम्मद जैद से बीवी मांग लेता है, अल्लाह बेटा मांग लेता है, भाई ये क्या है एडम भाई। बस ये ऐसे ही है सर। बहुत अच्छी बात की भाई ने, बिल्कुल सही बात की सर, ये ईद के मौके पे सही सुपर चैट था। द गाय जी ने 100 रुपीज का सुपर चैट किया, एडम भाई एक बात बता दो, जब हजरत एडम दुनिया आए थे तो उनके खतना किसने किया था? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, हजरत एडम का खतना नहीं हुआ था भाई, मोहम्मद का हुआ था, मोहम्मद का हुआ था सर। ये मैंने सवाल किया था मुफ्ती बमदर से कि आ हजूर का खतना पैदाइशी था या 40 साल बाद जब वो इस्लाम लेके आए तो उनका किया गया था, मुफ्ती बमदर ने अभी तक जवाब नहीं दिया। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी कहते हैं अल्लाह इक्वल, अल्लाह फरमा रहे हैं इफ देयर इज इवन सिंगल मिस्टेक इन कुरान देन इट इज नॉट फ्रॉम मी, कुरान इज फ्री फ्रॉम एरर, व्हेन लाला जी पॉइंट्स आउट द मिस्टेक्स व्हेन देन दे गेट एंग्री। भाई ये तो है, दैट्स इस्लाम राइट, कुछ भी अगर कोई सच बोल दे दीस गाइस गेट एंग्री। अब जो नूपुर शर्मा का जो सिचुएशन हुआ था उसमें उसने ठीक ही बोला था, वो भी शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था, तो उसने भी, उसने तो बल्कि सच बोल दिया कि 6 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में उसने यू नो गंदा काम किया उसके साथ। 9 साल की उम्र बच्ची की क्या होती है भाई। मैं एक चीज बताऊं यार आपको एडम, मैं एक चीज बताऊं, आज रात की बात है, आई मीन 4-5 घंटे पहले की,
मैं अपने घर में अपने कजन सबसे बात कर रहे थे, ठीक है, यही मुद्दे पे जो कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ था, यही मुद्दे पे तो मैंने अपना पॉइंट रखा कि जो उनका मर्डर हुआ था वो गलत था। तो कहते कि तुम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हो, तुम्हारा माइंड कन्वर्ट होता है धीरे धीरे। वो लोग बिल्कुल सही किया था, जो लोग ऐसा चीज करते हैं। अरे अरे देखो, लेकिन बात करने दे यार, उन्हें बात करने दे, रुक जाए डॉगी वाले फेस वाले भाई, रुक जाए। तो वो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं, जो गुस्ताखी कह रहे हैं उसका सजा वही होनी चाहिए, गला काट दो। और ये नूपुर शहर में इसका भी गला काट दो। आई मीन यार, मेरे को इनका माइंडसेट देख कितना बुरा लगा ना, ये लोग मेरे कजन है। मुबारक हो, आप इस कल से निकल चुके हुए हैं, मुझे पता है। बहुत बहुत आपको धन्य हो कि आप इस कल से निकले हुए हैं और आपका दिमाग खुल चुका हुआ है। अब आपको पता लग रहा है कि असल में गेम क्या है पीछे। यार जो भाई लोग नहीं बोल रहे ना, वो अपने आप को म्यूट करते हैं, क्योंकि होता ही है कि बाकी लोगों की आवाज जो है ना, बार बार फीडबैक आ रही है, सब लोगों के पास अच्छा वाला माइक्रोफोन नहीं है, तो प्लीज म्यूट कर लिया करें। प्रवीण सिंह जी कह रही है 200 रुपीज सुपर चैट के साथ, एरम भाई आप बार बार बोलते हैं कि मैं गोश्त खाता हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, फिर हिंदू भी गोश्त खाते हैं, ये स्माइली फेस। इनफैक्ट आई एम फ्लाइंग टू बनारस टुमारो मॉर्निंग फॉर बकरीद, दावत एट माय मुस्लिम फ्रेंड। ओ प्रवीण सिंह जी, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, तो हिंदू भी आजकल गोश्त खाना शुरू हो चुके हैं। थैंक यू प्रवीण सिंह जी। रोहित जी ने 20 रुपीस का सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू। गाइस सिख भी खाते हैं, सिख भी खाते हैं। आपको बताऊं, गुरुद्वारे में स्लॉटर होता है गोट का, हजूर साहब वहां पे हर साल जो होता है ना, लेकिन वो झटके से मारते हैं, वो धीरे धीरे वो टॉर्चर करके नहीं, वो एक स्विंग में मारते हैं। और वो क्या करते हैं, वो जो स्कल होता है ना उसका गोट का, वो ले जाके सारा खून जो होता है, गुरु गोबिंद जी सिंह जो गुरु थे हमारे, 10th गुरु जो थे, उनके वेपन्स पे उनका खून देते हैं। हमारे गुरु थे, आप भी सिंह हैं, आप भी सिख हैं। सिख हूं ना। अरे इधर नाल लगा दे, जो बोले सोने हाल, बोले सोने हाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सिख बने ही थे मुसलमानों को मारने के लिए। चले बेहतरीन। अदम भाई मैं बात कर सकता हूं? ये जो नारा है सर, आप कर सकते हैं, इधर एक सेकंड रुक जाएं। ये नारा पता है मुझे क्यों इतना पसंद है, बताएं? मुसलमानों के जो कंचे हैं ना, उनमें भी तरल निकल जाता था इस नारे से, जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं। हिस्ट्री में मुसलमानों के कंचों में से तरल निकल जाता था इस नारे में, तो मुझे बहुत पसंद है नारा। पान खत्म हो गया एडम भाई? हाँ जी पान खत्म हो गया। अब लीज कह रहा है द शैतान। एडम आप खाते खाते बोलते हैं तो कभी कभी हिकअप्स नहीं आती, भी आती है कभी कभी, मुझे तो तुरंत आ जाता है। जी सर, मुझे भी कभी कभी आ जाते हैं। जी सर, जी सर। एडम भाई, ये जो आप बता रहे थे अभी, जैसे जो होता है ना कि स्लॉटर जो होता है बकरे का, इसका तो ये एक तो होता है कि प्रॉपर हलाला, मतलब हलाला नहीं होता, तेरी मेहरबानी हलाला ना बोल। अच्छा काफिर मिकी जी, आप स्ट्रीम छोड़ दें, किसी दूसरे को आने दें, आपने काफी गपशप लगा ली है, तो कोई दूसरा भी जुड़ जाए। चलिए फिर मुलाकात होगी जी, जरूर। टेक केयर गाइस, ईद मुबारक। टेक केयर, खैर मुबारक, ईद मुबारक। आदमंदर साहब हुक्म करें। तो एक तो ये होता है कि एक तो इंस्टेंटली काट दिया जाता है, और एक होता है कि जो तड़पते तड़पते वाला, तो इनमें मतलब ऐसा क्यों है कि तड़पाने का वो क्यों है, मतलब वो सिस्टम क्यों है? यार देखें, मैंने ये बात शायद पहले भी कही थी, हलाल गोश्त का होता है कि यार खून किसी तरीके से जानवर से निकल जाए। इट हैज नथिंग टू डू विद तरपा के, या इट हैज नथिंग टू डू विद पीपल से कि यार हलाल तरीके से जानवर को दर्द नहीं होता। दर्द का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद के उसका ब्रेन तो कैंसल हो जाए, ब्रेन नर्व तो कट जाए, लेकिन हार्ट बीटिंग ना रुके। तो झटके में हार्ट का ब्रेन से ताल्लुक 100% किल हो जाता है, तो हार्ट फौरन रुक जाता है, जिसकी वजह से खून पुश करके बाहर नहीं निकलता। लेकिन जब आप आधा गर्दन काटते हो हलाल तरीके से, तो आपके जानवर की हार्ट बीट जो है ना वो जारी रहती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट अगर जारी रहेगी तो खून पंप करता रहेगा। द होल आइडिया इज के जानवर में से खून निकल जाए 100%। इट हैज नथिंग टू डू विद तरपा तरपा के मारना, एंड नाइदर इट हैज एनीथिंग टू डू विद के जानवर को गोश्त ना मिले, सॉरी दर्द ना मिले। तो विद रिस्पेक्ट टू एनिमल क्या बेटर है? सर मैं नहीं जान सकता, मैंने इतनी साइंस नहीं पढ़ी कि क्या बेटर है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं झटके से अगर खत्म कर दो तो जानवर फौरन मर जाता है। यस हां, वो कोई एडम सर हेल्प करेंगे हमारे साजिद पर जुड़ना चाह रहे हैं। आई मीन कौन जुड़ना चाह रहे हैं? जगह नहीं मिल रही। साजिद, एक्स मुस्लिम।
साजिद भाई, साजिद भाई यार तो जिसने बात कर ली है वो जरा छोड़ दे स्ट्रीम, तो फिर जुड़ जाएंगे। अरमंदा जी आपको आंसर मिल गया, आप हां मेरे को बस 2 मिनट बात करनी है, मैं बस एक और लास्ट में बस निकल जी, लास्ट बोल दे, बोलने लास्ट बोल दे। हां एक ये तो जस्ट ऐसी बात थी, और दूसरा ये था कि आप कॉमेडी वाली बात है कि आप इस टीम के बीच, मतलब आपको पहले भी किसी ने बोला है लेकिन आपने इस चीज पे गौर नहीं किया, तो आपके कभी कभी मतलब इस टीम के बीच में मुझे हंसी आ रही है बोलते हुए, मतलब आप इस टीम के बीच में क्या करूँ। देखिए इस वक्त 5:30 हो गए हैं, अब मैं खाऊं भी ना यार, कमाल हो गया यार। नहीं बाकियों को भूख लगी लग जाती यार, अब मैं तो इतनी लंबी स्ट्रीम करता हूँ तो अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा ना यार, खाना भी होता है पीना भी होता है। अब मैंने देखे 1.5 कोका कोला की बोतलें खत्म कर दी अभी आज बैठे बैठे स्ट्रीम करते हुए, मैंने बीच में वो भी खाई है अपना, आपको मिल जाती है ना फिर हमारी बीवी देती है यार। ये हमारे साथ बैठी हुई है जितेंद्र बरसा जी, जितेंद्र बरसा जी आप जब भी दिल करें स्ट्रीम पे चढ़ सकती हैं, मैं आपका वेट करूंगा। दगाए कहते हैं एडम भाई वो टाइपिंग मिस्टेक था, मैं कह रहा था कि मुस्लिम जिनको दुनिया के पहले इंसान मानते हैं उसका खतना कैसे किया गया, कभी किया गया? नहीं किया गया जी, नहीं किया गया, कुरान में कहीं पे नहीं है कि एडम का कभी भी खतना हुआ, मैं बगैर खतने के मौजूद हूँ यहाँ पे अभी तक। तो अरमंदा जी आप जरा छोड़ दें ताकि स्ट्रीम में जगह मिल जाए किसी को जी। किसने आना था भाई, कौन कह रहे थे उन्होंने आना है? साजिद आ रहा था, वो एक्स मुस्लिम है साजिद। हाँ हाँ बिल्कुल ओके जी, अरमंदा जी छोड़ते हैं तो एक्स मुस्लिम साजिद के अलावा कोई ना जुड़े भाई, एक्स मुस्लिम साजिद जुड़े सिर्फ। थैंक यू अरमंदा जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद जी आप जुड़ जाइए। अच्छा जी हमारे पास यार ये रेस्ट इन पीस जुड़ गए हैं भाई, अभी मत जुड़े, एक भाई के लिए स्टूडियो खत्म की एक जगह बनाइए सिर्फ। वरुण बंदरकर, बंदारकर, वरुण सिर्फ वरुण है, विनायक ऊपर, विनायक जी, जी विनायक साहब। मैं एक चीज कहना चाहता था, मैं आज पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान में अभी भी ये लोग, मैंने अभी चैट में भी डाला है, अभी भी 5-6-7 साल के बच्चे बच्चियों को बेचते हैं, उधर काफी मुश्किल, they have a difficult situation। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक के ऊपर, जरूर देखिएगा, वो बेचते नहीं शादी कराते हैं अभी भी जी, अभी भी मैंने एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर, 5 साल जी सर, और ये एक्सेप्टेबल है जैसे कुरान में एक्सेप्टेबल है ना, 9 साल की बच्ची और 55 साल का बंदा, ये मेरी एक वीडियो है देख लीजिएगा, सिर्फ 8 मिनट की है, 8.5 मिनट की देख लीजिएगा। आप लोगों के हिंदी नाम जो है ना मुझे बड़े मुश्किल हो जाते हैं पढ़ने, माफी माजरत। कोई बात नहीं एडम, समझ सकता हूँ, चाणक्य नाम है वैसे जी सर, चाणक्य जी। थैंक यू एडम। एडम मेरा पहला तो ये है कि एक जो लॉजिकली मैं आज के आज जो टॉपिक था तुम्हारा उसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि जहां तक मुझे लॉजिकली लगता है जिस तरीके से पहले वो कुर्बानी दी गई थी उसी तरीके से अगर हम भी कुर्बानी दे तो हम भी उस लेवल के हो जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, इस वजह से शायद आज भी उसी को एक फेस्टिवल के रूप में माना जा रहा है या फिर मनाया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं सर आपका मानना गलत है, असल में मोहम्मद ने इस चीज को फर्स्ट लेवल के ऊपर रखा हुआ है कि अगर आप साहिब इस्तदाद हैं यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ये करना आपके ऊपर फर्ज है, तो ये फर्ज लेवल के ऊपर है सर। ओके थैंक यू मैडम। और मेरा मेरे कुछ और डाउट्स हैं मैडम, ये अपने तारिक पता साहब को मैंने एक बार सुना था, उन्होंने कहा था कि इब्ने कतीर साहब ने उनकी जो किताब है शायद तफसीर इब्ने कतीर है शायद नाम उस किताब का, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि सिर्फ अरेबिक मुस्लिम्स जो हैं वो बाकी जो दूसरे मुस्लिम्स हैं दूसरे इलाके में रहने वाले उनके मुकाबले सुपीरियर हैं। तो पहली बात तो ये कि क्या ये सही है सर? मुझे वो रेफरेंस चाहिए कि किस लेवल में सुपीरियर है, क्योंकि कुरान कहता है कि तुम सुपीरियर सिर्फ तकवे में हो सकते हो, ठीक है, बेहतर तुम में से वो है जो तकवे में ज्यादा है,
तो मुझे नहीं पता वो किस लेवल के ऊपर यानी किस हुज्जत को लेके सुपीरियर कह रहे हैं, तो मुझे वो हुज्जत भी मालूम करनी होगी इससे पहले कि मैं ये बात बोलूंगी। ओके, तो मैं उसका जी चाणक्य जी, मेरे ख्याल से उन्होंने वो अशराफ वाले वीडियो में बोला था कि वो अशराफ सेम क्लैन के होते हैं तो वो सुपीरियर होते हैं और पसमंदा का जो एक वो है ना इनका कास्ट। नहीं नहीं सर, उन्होंने बेसिकली एक कोई न्यूज चैनल के साथ में उनका इंटरव्यू चल रहा था, तब उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आप बताइए मुझे कि तफसीर इब्ने कदीर ने ऐसा कहा है कि ये अरेबिक मुसलमान जो है बाकी सबसे सुपीरियर है, तो उसके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था उनका, तो इस बेस पे मैंने ये सवाल पूछा हुआ था। सर वंस अगेन, जब तक आप पूरी हुज्जत नहीं है ना तब तक आप प्रेजेंट ना किया करें, अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि फिर आपके पास अभी 50 मोमिन आ जाएंगे इसने गलत बात कर दी ऐसे नहीं है। तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि यार ऐसे जेनेरिकली नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर होगा तो यस होगा। ठीक है एडम, मेरा इसका इसी का दूसरा पार्ट मेरा ये है कि सारे एक सेकंड सर, यहां पे मजेदार बात आ गई। फिरोज शाह जी कह रहे हैं आई नो यू आर ऑल जेलस विद इस्लाम। अमा यार ताडी मेहरबानी, जेलस मादी सिरी आपा जेलस होना है इस्लाम नाल, हद हो गई ताडी भाई। इस्लाम के अंदर जेलस होना है, किस किस्म का रिलीजन लोग जेलस हो सकता है भाई? इस्लाम के अंदर जेलसी होने लायक कुछ है क्या? एडम एडम इस आगे पढ़ो, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, आई लव माय इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। म्यूजिकल मनीष जी क्या कहना चाहते हैं, बोलिए सर। एडम भाई नमस्ते जी। नमस्ते सर। एडम भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं सर बड़े ना बने सर, मुनासिब साइज के बने सर, स्क्रीन में पूरे नहीं आएंगे आप। एडम भाई एक मेरी ना दो बातें, सिर्फ मैं दो बातों के लिए आपसे टाइम लूंगा सर, हुक्म। एक छोटी सी बुक है 12 रुपए में मिलती है और इंटरनेट पे फ्री मिल जाएगी, जिसका नाम है दो बहनों की बातें। ओके, वो एक बार आप पढ़ना जरूर, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है सर। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास नीचे चल रहा है, अगर वो इंटरनेट पे डाउनलोडेबल मिलती है तो मुझे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा प्लीज। मैं लिंक दे दूंगा। बेहतरीन, कर लीजिएगा। दूसरी बात मेरी ये है, कल मोमिन मेरा एक फ्रेंड है तो मैं उससे कुछ पेमेंट के लिए गया था घर पे उनके लाहौल वाला हुआ था। उनकी जो है ना मम्मी जो है वो बहुत अच्छे नेचर की है और वो हिंदू है। हैं? हाँ जी, यानी ये बेटा मुसलमान है और मम्मी हिंदू है। जी, तो जी, बाप, जी, जी। बाप क्या है? बाप मुस्लिम है, मतलब। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना यार ये जोड़ी बन नहीं सकती इस्लामी गली तो। अच्छा तो बात ये है, मैं इंडिया में ही होगा। हाँ जी हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ इंडिया में, तो मैं उनके पास बैठा था तो कोई बात चल रही थी, डिबेट चल रही थी। मैं बेसिकली ना तो हिंदुइज्म को फॉलो करता हूँ, मैं बेसिकली वेद को फॉलो करता हूँ। तो वेद क्या वो किसी और का स्क्रिप्चर है यार? हम हिंदुओं की वो रिलीजियस बुक्स है कुछ। हाँ एक्चुअल में ना वो ग्रंथ बोला जाता है वेद को, वेद के सामने ना रामायण है कुछ ना गीता कुछ है। तो एक्चुअल में मैं बेसिक बात पे आना चाहूंगा जो बात हो रही थी मेरी कल। तो कल उन्होंने मेरे को ना एक बड़ी अजीब सी बात बताई जो कि मैंने पहली बार सुनी है, शायद आप सही से बता दोगे कि जब मोमिन जब मर जाएंगे और जब एक वो कौन सा वक्त आएगा, कयामत का वक्त जब आएगा, हाँ जी, डे ऑफ जजमेंट, हाँ जी, तो उस वक्त क्या होगा कि जो भी मोमिन दफनाए गए थे और उनकी जो डेड बॉडी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कीड़े मकोड़े जो भी उसको खा जाएंगे, तो उसमें एक छोटी सी हड्डी बचती है आखिरी। अच्छा, ओके। वो कह रही, आंटी जी भी यही कह रही थी और मेरा दोस्त जो है दानिश खान वो भी यही कह रहा था कि एक ही हड्डी बचेगी। अच्छा। और आखिरी में कयामत के वक्त चाहे वो हड्डी 17 साल के बच्चे की हो, चाहे 5 साल के बच्चे की हो, चाहे 80 साल के बूढ़े की हो, अच्छा, अल्लाह उसको जन्नत के अंदर 33 साल का बना देगा। अच्छा हड्डी बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी इसकी वही, तो मैं सुन ले, मैं आपको आंसर दे देता हूँ इसकी, तो मैं कोई आपको रेफरेंस नहीं दे सकता सही हदीसों से, लेकिन अल्लाह सबको जवान और हम उम्र बनाएगा, वो 33 साल होगा या 28 साल होगा तकरीबन इस किस्म की एज है, तो यस दैट इज ट्रू, अल्लाह सबको एक ही उम्र का बनाएगा। अरे एडम ये तो इंडिया का मूल्य ना 33 साल बताते हैं। चलो 33 साल होगा, कोई मसला नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये था, कॉन्सेप्ट ये था, उन्होंने मुझसे पूछा था वेदों के अनुसार आत्मा होती है या नहीं,
तो मैंने कहा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ना, वैसे ही आत्मा की जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा, कि वैसे नहीं, मैं आपने तो नहीं उनसे ये मानता। पूछा, आपने उनसे ये पूछा कि अल्लाह मियां कयामत के टाइम पे इन लोगों की बोटियों को हड्डियों के साथ मिलाएगा कैसे, ये पूछा आपने? यही चीज मैं पूछ रहा था उनसे कि आप आत्मा को नहीं मानते लेकिन आप ये नहीं, वो मानते हो मानते हैं कि आत्मा को, कयामत मानते के हैं, बाद, वो नहीं मानते वो हैं नहीं मानता, कुरान, वो नहीं कुरान मानता मानता। है आत्मा को, कुरान आत्मा को अच्छा मानता है, रूह और रूह, रूह का जिक्र है कुरान में, तो वो रूह, रूहों को अजाब भी मिलेगा, तो वो बात नहीं है, कुरान मानता है, उनको नहीं पता वो एक बोंगी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अल्लाह जब इन सबको जमा करना होगा अल्लाह ने, तो वो कैसे जमा करेगा? जी या तो उस हड्डी को ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के द्वारा वापस ਹੱਡੀ से। ਖੈਰ ਦਿਸਰੀ ਐਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਕੈਸੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਦਰਕ ਅਦਰ ਸਾਲਿਹੀਨ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਉਸ ਹਦੀਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਟ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲਿਹੀਨ ਸਹੀਹੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਫਯਰਸਲ ਅੱਲਾਹੁ ਮਾ ਮਿਨ ਤਖਤ ਅਰਸ਼ ਕਮਨੀ ਅਰਜਾਲ ਫਤਨਬਸਤ ਲਹਮਨ ਵਜਿਸਮਾਨ ਲਹਮ। तो अल्लाह मियां अपने तखत के नीचे से पानी की बारिश करेगा जो कि मर्दों की मनी की तरह की होगी और उसकी वजह से मुर्दों को दोबारा से जिस्म मिलेगा। मर्दों की मनी मतलब स्पर्म्स? मनी का कोई और भी मतलब होता है थे। अरे हम हिंदू नहीं है भाई, थोड़ा हिंदी में बताओ, उर्दू नहीं समझ में आती। मनी की और क्या उर्दू होगी, हिंदी वही 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 है। और okay, एक okay. चीज और, दानिश खान जो मेरा फ्रेंड है उसने कहा है कि मैं 2 दिन में वो प्रूफ दे दूंगा जो सल्लल्लाही मतलब जो इनका पैगंबर है उन्होंने जो 6 साल की बच्ची से जो शादी की थी ना उसके हेज आ गए थे। सर आप ऐसा करें तो कि उनको मेरे चैनल पे जरूर लाइएगा, मेरी आपसे विनती है। देखें मेरे हाथ जुड़े हुए, ये देखें ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, उनको मेरे चैनल पे जरूर लाइएगा। ये देखें मेरा मेरा कैमरा भी ऑन हो गया, ये देखें ये लड़की देख रही है ना, ये लड़की उसको मलकल यमीन के तौर पे दे दूंगा मैं अगर वो मुझे ये प्रूफ दे दे। मैंने आपकी आपकी है ना बहुत सारी स्ट्रीम्स देखी, तो आपने एक जगह बोला था कि कयामत की रात तक अगर ये सबूत ला दो कि जो आयशा आयशा जो थी उनके हेज आ गए थे, तो आप कुतुब सित्ता से, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक आधी हदीस में बहुत बाद में लिखी हुई, किसी एक आधी किताब के बीच में हो सकता है कहीं पे लिखा हो, ठीक है, हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया हो बगैर चेन ऑफ नरेशन के, बगैर किसी रेफरेंस के, तो उसको हुज्जत नहीं माना जाता, लेकिन कुतुब सित्ता के अंदर कहीं पे नहीं है। ओके तो इसका इसका कोई रेफरेंस है कि जो आयशा जी आयशा जो थी उसने ये बताया है कि हाँ मेरे हेज नहीं आए थे? नहीं सर, इसका भी एक्सप्लिसिटली कोई रेफरेंस नहीं, एक्सप्लिसिटली कोई रेफरेंस नहीं। अच्छा। अरे एडम तुमने लास्ट टाइम कोई एक हदीस दिखाई थी ना जिसमें उसने ये लिखा हुआ था कि उसको मतलब फतुल बारी है, वो हदीस की, वो हदीस की एक्सेजीट्स है, यानी कि हदीस के ऊपर तफसीर है, वो सही बुखारी की हदीस के ऊपर तफसीर है फतुल बारी। इमाम तो उसे भी वैलिड मनी माना जा सकता क्या? इमाम हाजर अस्कलानी ने लिखा हुआ है, रेफरेंसेस के साथ लिखा हुआ है। सर असल में कोई कोई बंदा आए ना इस लेवल का जो इस लेवल के ऊपर डीप जाकर डिबेट करे तो मजा आएगा ना। नहीं डिबेट तो ये जो रेफरेंस दिया हुआ है तुमने उसे वैलिड माना जा सकता है या नहीं? बिल्कुल माना जा सकता है ना सर, लेकिन अगर वो एक बंदा कह दे, असल में इस्लाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि झूठ बोल सकते हैं वो कभी भी। हाँ। आके किसी भी बंदे को वो जहन्नमी बना सकते हैं एक्सेप्ट फॉर मोहम्मद और चारों सहाबा इकराम, बाकी किसी को भी वो जहन्नमी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, किसी को भी झुटला सकते हैं। okay. लो भाई चन्ना सर आपका नाम क्या है, बड़ा मुश्किल है, चाणक्य चाणक्य जी एंड मनीष जी, थैंक यू, आप दोनों स्ट्रीम छोड़ सकते हैं। चाणक्य जी अपना पॉइंट रखें और स्ट्रीम छोड़ दें, किसी दूसरे को जुड़ने दें सर। और जी बिल्कुल एडम, मेरे तो वैसे बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं कुछ ही एक दो ही पूछूंगा। एक पॉइंट, ओके बिल्कुल। पहला मेरा डाउट यह है कि अगर जैसे मुस्लिम बोलते हैं कि एक समय के बाद में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा, और अगर जो बात मैंने कही थी, साल से तो आया नहीं, अब कैसे आना? अरे सुन तो लो भाई पूरी बात, बात ही खत्म कर दी, अभी भी कोई बात है नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता भी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम आ भी गया गलती से ही, सही फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आ जाता है
तो वुड इट बी एन इनिशिएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर फोर? ये मेरा पहला सवाल है। सेकेंडली, मुसलमान लोग जो होते हैं वो इतने इनोसेंट और इतने हिपोक्रेट दोनों एक ही समय पे कैसे हो सकते हैं? सर वो सर, थैंक यू सर, कोई लेने देना नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच, इसका कोई जवाब नहीं मैं दूंगा आपको। थैंक यू। चलो भाई, बाकी के डाउट अगली बार पूछ लूंगा। जरूर सर, बहुत शुक्रिया सर। हाँ एडम, एक लास्ट चीज, तुमने एक रिसेंट तुम्हारे वीडियो में तुमने कहा था कि तुम नॉन मुस्लिम्स के लिए एक महीने में एक कोई स्ट्रीम रखते हो, तो वो कब रखते हो बता सकते हो, सो दैट मैं उस समय ज्वाइन हो सकता हूं? वो हमने सुलेमानी जलेबी के चैनल पे रखना है, और यानी इस चैनल पे नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सैटरडेज की पूरे महीने में चार स्ट्रीम करता हूँ। उन चार स्ट्रीम में से भी एक आधी स्ट्रीम मैं खा जाता हूँ, क्योंकि कभी बिजी हो जाता हूँ, सैटरडे में तो नहीं कर सकता। तो इस चैनल पे नहीं, हम सुलेमानी जलेबी के चैनल पे रखते हैं, तो मैं उनसे बात कर लूंगा। पिछले भी महीने हमने एक रखी थी, इस महीने भी हम कोई रख लेंगे, और वो फिर मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूंगा कि नॉन मुस्लिमों के लिए। मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा स्ट्रीम को। चलेगा, थैंक यू वेरी मच आराम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड बाय, गुड नाइट, गुड नाइट जी, गुड बाय भाई, गुड बाय, गुड बाय जी। हमारे पास कौन है नेक्स्ट? जो भी है नेक्स्ट बोल दे। वैसे एडम भाई, मैं भी स्ट्रीम छोड़ता हूं ताकि आप और लोगों को ले सकें, लेकिन जाने से पहले मेरा आपके लिए क्वेश्चन है। जी सर। तो हम सबको मालूम है कि आप पहले मुस्लिम थे और आपने अब इस्लाम छोड़ दिया थोड़े टाइम से, तो ऐसा कोई फेस्टिवल जब आता है, लाइक ईद है, कल ईद है, सारे मुस्लिम लोग मनाएंगे, तो ऐसे मौका पर एक्स मुस्लिम लाइक यू, व्हाट डू यू गाइस डू? बिकॉज़ ईद ना सिर्फ वी बिकम हिपोक्रेट, वी बिकम हिपोक्रेट, वी बिकम हिपोक्रेट। मैं खुद की बताऊं मैं क्या करता हूं, वी बिकम हिपोक्रेट यार। चलबुल पांडे जी, मैं नमाज पढ़ने तो नहीं जाता ऑब्वियसली। जिशान भाई, आप किसी ऐसी जगह पे होंगे जहां पे आपके मुसलमान बहन भाई आपके पास होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ मुझसे पूछेंगे तो मैं हिपोक्रेट होके बस चुप करके ईद मना लेता हूं लोगों के साथ। नमाज पढ़ने मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बारे में। लेकिन वी बिकम हिपोक्रेट, और फिर हमारी मजबूरी है, क्योंकि नहीं बनेंगे तो एक और मसला हो जाएगा, ठीक है ना? तो वी हैव टू बी हिपोक्रेट। सब लोगों को ईद मुबारक भी हम कर देते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो ये होगा कि हमारे इतनाब आ जाएगा एक नया। तो अब मसलन साहिल भाई की तो नाम शक्ल नजर आ गई है, वो तो अब ओपन हो गए हैं, वो बेचारे तो वो तो अब ओपनली कर सकते हैं। तो जब तक हम छुपे हुए बैठे हैं, और तब तक बैठे हुए हैं, जब नजर आ जाएंगे तो फिर हमें भी थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा, बस यही है। मैं खुद की बताऊं, मैं जुमे के नमाज के टाइम में बाहर निकल जाता हूं, आई मीन फॉर स्मोकिंग एंड ऑल, और ये मेरा पहला ईद होगा एज एन एक्स मुस्लिम। तो मैंने सोच रखा है कल मैं वही काम करूंगा जो जुमे के दिन करता हूं, मैं नहीं जा रहा नमाज पढ़ने। एग्जैक्टली। ओके, तो आप ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं हिपोक्रेट, ये इस्लाम वाला हिपोक्रेट है? नहीं सर, इस्लाम वाला हिपोक्रेट नहीं है ये, असल में हिपोक्रेसी क्वाइट फ्रैंकली अगर देखा जाए तो हमारे में इतने गट्स होने चाहिए कि हम खड़े होकर कहें हम नहीं मानते, ठीक है? लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। फिलहाल अभी अभी हम ये जो काम कर रहे हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगले 4-5 सालों में हम खुल के कह सकेंगे कि हम नॉन मुस्लिम है, पुट लो जो पुटना है। तो आप लोगों की सहायता और आप लोगों की सपोर्ट के साथ मेरा ख्याल है कि अगले 4-5 साल में हम ओपनली ये बात कह सकेंगे, इंशाल्लाह। आमीन। तो चलिए, इम्पॉसिबल है आदम भाई, इसी बात के साथ मैं अपने ऐसे घर वालों के सामने ऐसे, एक सेकंड यार पांडे जी, मेरे घर वाले जैसे आखिरी पॉइंट उन्होंने रख लेने। जी पांडे जी। जी मैं बस ये कह रहा था कि इसी के साथ थैंक यू सो मच कि आपने मुझे स्ट्रीम में लिया, और मैं स्टूडियो छोड़ देता हूं ताकि आप किसी और को ले सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी पांडे जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम। जी भाइयों, नेक्स्ट हमारे पास शर्मा जी हैं। शर्मा जी आप बोल दें सर। जी एडम भाई, आपने जो वो झटका और हलाल का जो डिफरेंस बताया था ना, उसमें कुछ मेरे पॉइंट्स हैं। जी एडम भाई, मैंने आपने जो वो, मेरा वॉइस एको हो रहा है क्या? तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो इस्लाम है ना, वो एक तरीके का जंग है जो कि बहुत सालों से चल रहा है, और उसको लड़ने के लिए जैसे फुट सोल्जर्स चाहिए होते हैं, तो वो जैसे ये लोग हलाल का जो तरीका होता है मुझे पता है, तो उससे क्या होता है, लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं। आप छोटे बच्चों के सामने ऐसा करोगे तो फिर वो थोड़ा माइंडलेस जॉम्बी जैसे हो जाएंगे। आपने वो देखा था जो साहिल भाई जिनको समझा रहे थे, वो पॉइंट्स मतलब काफी लॉजिकल पॉइंट्स थे, पर वो समझने को तैयार नहीं थे, तो और वो अपने आप को रैशनल भी समझ रहे थे,
पर वो इंस्टेंस जो इन वो होता है ना सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो वो एक अच्छा इनका स्ट्रेटेजी है कि इसको कंटिन्यू रखो ताकि लोग ऐसे ही उनका थोड़ी भावनाएं बंद हो जाए और वो एम्पैथी जिसको बोलते हैं ना वो भी ना रहे, और फिर ये इजिली अभी जो हुसैन जी थे वो कि मैं उलेमा से पूछाऊंगा या मैं मुल्ला से पूछ के आ जाता हूँ, तो फिर वो इजिली उनको समझा लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। और आपके जो पॉइंट्स हैं वो तो बिल्कुल मतलब मेरे को, मैंने मैंने खुद कुरान पढ़ना शुरू किया है और मैं हदीत भी मैंने पढ़ रखी है काफ़ी, मैंने ये आपके जो पॉइंट्स से पूरे समझ में आते हैं कि जो आपने आज समझाया ना बकरीद का जो फिलॉसफी जो थी वो पूरी कैसे गलत है, कोई उसका रिलेशन नहीं है, बस ये चल रहा है, तो वो काफ़ी टू द पॉइंट था। और आप जो अभी बोल रहे थे ना कि आप अभी शक्ल नहीं दिखा सकते, दैट्स ओके, आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है वो, इट्स वेरी करेजियस कि आपने इतना ये चैनल बना के आप इतना एक्टिविज्म कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आप ये करते रहिए। और ये आपको कोई, अगर मैंने एक चीज नोटिस की, आपको कोई लिंक सेंड कर रहा था चैट में, वो लिंक से क्या होता है लोकेशन ट्रेस हो जाती है, तो वो लिंक्स आप कभी क्लिक मत किया करिए, मैंने नोटिस किया था किसी ने आपको दिया था पता नहीं आपने क्लिक किया नहीं किया, नहीं नहीं सर, तो मैं लिंक्स वो क्लिक नहीं करता अंटिल के मुझे पता ना हो कि वो किस कौन जी सा वाला लिंक है। आई डोंट क्लिक एनी ऑफ द लिंक। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ जो भी करना है आके दिखा दो, वी कैन लुक इनटू इट। और प्लस यार मैं बहुत सारी फायरवॉल्स के पीछे हूँ, डोंट यू वरी अबाउट दैट। जी तुमको जी बहुत जी सारी फायरवॉल्स तोड़नी पड़ेंगी मेरे तक पहुंचने के लिए, सो डोंट वरी। जी 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 नहीं, आप लोग बड़े प्रेशियस हैं, आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आप लोगों की बहुत जरूरत है, आपको देख के और लोग भी जुड़ेंगे सीखेंगे और वो लोग आगे लोगों को समझाएंगे, जैसे अभी एक्स मुस्लिम भाई बता रहे थे कि उनके कजन्स हैं पर वो उनके तरह नहीं सोचते हैं, तो वो अब आगे जब उनके जब उनका कोई बेटा होगा या बेटी होगी तो वह समझाएंगे आगे, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ये करते रहिए। भाई दोस्तों और बहुत आपने दिया है मेरे कजन्स को। जी, अब उसका कुछ नहीं हो सकता पर आप तो ठीक हैं। और एक अरे भाई, आपने ये इसका शैतान और अल्लाह वाले को पॉइंट बताया था कि भाई ये कुर्बानी क्यों मांगता है, भाई वो सही बात है कि अब तुम्हें आवाज आई, अब तुम्हें वो अल्लाह की आवाज आई या तुम्हें शैतान की आवाज आई, तुम्हें कैसे पता कि वो, तो उसने बोल दिया कि तुम अपने बेटे की कुर्बानी कर दो और तुम वहां मूर्खों की तरह निकल गए उसको करने, तो वो तो असल में प्रॉब्लम। सर इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है, मैं आपको बताऊं। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि जब ये लोग आते हैं मेरे पास, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपने किया, जब लोग मेरे पास आते हैं ना वो कहते हैं कि डू नॉट, वो कहते हैं कि ऑल थ्री अब्राहमिक रिलीजन, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ यार आप इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन नहीं कह सकते। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, मैंने साबित किया, इतने लोग आए थे, 15-16 मुसलमान आए थे इनके साथ बात की, आपके सामने किसी ने भी वो चीज नहीं बता सका। देखिए अब्राहमिक होने के लिए ये एक बहुत बेसिक चीज है कि अब्राहिम को कुर्बानी के लिए क्यों कहा गया। सबसे पहले अगर हम देखें, मैं चंद एक बातें रखूंगा, ये मत समझना कि मैं आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्लीज डू नॉट थिंक ऑन दिस एंगल कि मैं किसी भी सूरत में किसी को भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अगर सबको समझ आ जाए ना तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही जबरदस्त बात हो जाएगी। कि अगर ये सबको समझ आ जाए कि इब्राहिम को कुर्बानी के लिए कहा क्यों गया था, ठीक है। अब अगर देखें तो गॉड का कॉन्सेप्ट इस क्रिश्चियनिटी के अंदर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी और धर्म या रिलीजन में होता है कि खुदा नजर आता है, ठीक है। अगर हम जेनेसिस 18 के अंदर जाएं, ठीक है, तो खुदा इब्राहिम को एक्सप्लिसिटली नजर आया। ये देखिए आपको नजर आता है, द लॉर्ड अपियर टू हिम बाय द ट्री बनीथ ट्री ऑफ मेमार। लॉर्ड यहाँ पे अगर आप हिब्रू के अंदर जाएंगे या आप इंग्लिश में भी देख लें तो कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, जहां पे सारी चीजें कैपिटलाइज में लिखी हो, तो ये याहवे को डोनेट किया जाता है। ये एक आप इंटरलिनियर में जाके इसको देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो नजर आया खुदा इब्राहिम को एक्सप्लिसिटली। उसके बाद अगर हम जाते हैं जेनेसिस 17 के अंदर, यहाँ पे सारा के साथ बात हो रही है और इब्राहिम के साथ बात हो रही है, खुदा खुद बात कर रहा है ना, डायरेक्टली बात कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि खुदा डायरेक्टली बात करे आके मजा तो तब आता है ना। देन गॉड सेड नो सैरा योर वाइफ शेल बेयर यू अ सन, तुम्हारी बीवी सारा तुम्हें एक बेटा जनेगी। And you shall call him Isaac. तुम उसे Isaac कहोगे। I will establish my covenant with him.
मैं अपना कवनेंट उसके थ्रू एस्टैब्लिश करूंगा, यानी अपना जो पैगाम है, यानी अपनी जो प्रॉफिटहुड है, मैं उसके थ्रू कवनेंट एस्टैब्लिश करूंगा फॉर एन एवरलास्टिंग कवनेंट, जो कि हमेशा हमेशा रहेगा, एंड विद हिज डिसेंडेंट आफ्टर हिम, और उसके बच्चों के साथ उसके बाद. कुरान इस चीज को एज इट इज शो करता है, जैसा कि मैंने दिखाया था कुरान की आयत भी, जिसमें खुदा बता रहा है कि मैंने इसहाक के जरिए, कुरान चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 27, जिसमें खुदा कहता है मैंने इसहाक और याकूब के थ्रू अपना कवनेंट एस्टैब्लिश किया. सेम यहां से कॉपी पेस्ट लिया हुआ. लेकिन जब इब्राहिम की कुर्बानी का जिक्र आता है, मोहम्मद को पता नहीं लगता, मोहम्मद बताता ही नहीं है कि किसकी कुर्बानी और क्यों कुर्बानी. भाई किसकी कुर्बानी और क्यों कुर्बानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसकी कुर्बानी और क्यों कुर्बानी का पता नहीं है आपको, तो आपको समझ नहीं आ सकती कि क्यों हुआ. इसके लिए अब हम जेनेसिस के 22 में चले आते हैं, चैप्टर नंबर 22 में चले आते हैं. वहां पे इब्राहिम को पता है कि चूंकि खुदा ने मुझसे प्रॉमिस कर लिया हुआ है कि इसहाक के साथ कवनेंट है, तो लिहाजा उसको टेंशन कोई नहीं है. वो कहता क्या है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ. अब उसका नाम आइजक रखा गया वगैरह वगैरह, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ. एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए. 21, मैंने 22 में चला गया, माई बैड है, 21 में जाना था, माई बैड. 21 में जाते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें 21 के अंदर, उसने लोगों को बताया है कि मैं सेक्रीफाइस के लिए जा रहा हूं. And the matter was very displeasing. यार कितना है यार, आज दफा मैं भी भूल जाता हूँ. इतनी ज्यादा किताबें हैं और इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं कि आप खुद भूल जाते हैं कि किस जगह पे क्या लिखा हुआ है. हाय हाय, लोगों को बताना बड़ा जरूरी है. लेकिन एटलीस्ट एक सेकेंड, ओके, हमने जाना है जेनेसिस 22 के अंदर ही. जेनेसिस 22 के अंदर जाते हैं डायरेक्टली. इसमें हमारे पास आता है, आके ये देखें. एंड इब्राहिम सेड टू हिज यंग मैन, स्टे हियर विद द डोंकी द लैड एंड आई विल गो योंडर एंड वर्शिप एंड वी विल कम बैक. देखें इब्राहिम यहां पे क्लियरली बता रहा है, जब वो सपोजिटली अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करने के लिए लेके गया, सपोजिटली वो क्लियरली बता रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ वापस आऊंगा. उसको पता है कि 17वें चैप्टर में, यानी कि पीछे, खुदा ने मेरे साथ कवनेंट एस्टैब्लिश कर दिया हुआ. जब उसने एस्टैब्लिश कर दिया हुआ है, तो वो मेरे बच्चे को कुर्बान नहीं होने देगा किसी भी सूरत में. या अगर कुर्बान हुआ भी वो, तो वो मुझे जी उठेगा दोबारा से. अच्छा, ये चीज हमें न्यू टेस्टमेंट के अंदर आल्सो बता दी गई हुई है. न्यू टेस्टमेंट के अंदर कैसे बता दी गई हुई है, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट इस चीज को क्लियरली डोनेट करता है, क्योंकि यीशु मसीह की वजह से ये काम हुआ था. इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यू टेस्टमेंट इन द बैक. अब इस्लाम जब यीशु मसीह की कुर्बानी को मानता ही नहीं है कि वो एक बर्रे की तरह, एक लैम की तरह कुर्बान किए गए, तो लिहाजा इस्लाम में इस कुर्बानी का कोई पर्पस ही नहीं है. बिब्लिकल ट्रेडिशन में इस कुर्बानी का एक पर्पस है कि रिप्रेजेंटेशन के यीशु मसीह ने आना है और उसने आपको कुर्बान करना है. इसीलिए हिब्रूज जो कि न्यू टेस्टमेंट में बताता है, बाय फेथ इब्राहिम व्हेन गॉड टेस्टेड हिम ऑफर्ड आइजक एज सैक्रिफाइस, नाम आइजक भी आ गया, ही हु हैड एम्ब्रेस्ड द प्रॉमिस वाज अबाउट टू सैक्रिफाइस. उसने उसके खुदा के प्रॉमिस को, वादे को ले लिया हुआ था, उसको ले लिया हुआ था, तो उसे पता था कि मेरा बेटा कुर्बान नहीं होगा या जी उठेगा, जिस तरह ईसा जी उठा, जिसको मुसलमान मानते नहीं है. His one and only son. अच्छा, जो one and only son है ना, यहाँ पे ग्रीक में मोनोगनियस आया हुआ है. मोनोगनियस, the word मोनोगनियस is begotten son, जैसा कि यीशु मसीह है. Even although God has said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. क्योंकि खुदा ने से पहले कह दिया था कि आइजिक के जरिए तुम्हारा प्रॉफिटहुड चलेगा. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and in so, in manner of speaking, that he received Isaac from death. कि वो आइजिक को अगर कुर्बान कर भी देगा तो वापस वो जी उठेगा. द होल पर्पस इज के इस्लाम ने इन चीजों को जब उठाया है ना, पिकअप किया है. इस्लाम उस चीज को ताने बाने को जोड़ ही नहीं सकता कि अगर वो यीशु मसीह की कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं करता. ये समझ रहे हैं आप कि जब तक इस्लाम यीशु मसीह की कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं करता ना,
इब्राहिम का बच्चे की सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस का ना होना वो अप्रूव नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि अगर हम वापस जाएं तो आप ये देखें कि यहां पे देखें क्या हुआ. एंड इब्राहिम सेड, जब वो ऊपर जा रहे थे तो बेटे ने क्या कहा, बेटे को नहीं पता कि उसकी कुर्बानी होनी है, ठीक है. बट आइजिक स्पोक टू इब्राहिम एंड हिज फादर सेड माई फादर एंड ही सेड यस हियर आई एम माई सन. ही सेड लुक द फायर एंड द वुड बट वेयर इज द लैम. इब्राहिम मेरे बाप, तू आग को तो लेके जा रहा है, तू वुड को लेके जा रहा है, लेकिन कुर्बानी का बकरा कहां है जिसको तूने कुर्बान करना है, वो कहां है, वेयर इज दैट, वो कहां है, ठीक है. तो इब्राहिम ने कहा माई सन गॉड विल प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ द लैम, खुदा प्रोवाइड करेगा लैम को, खुदा अपना लैम देगा फॉर द बर्नड ऑफरिंग. सो द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर. सो उसके बेटे को नहीं पता था कि उसकी कुर्बानी होनी है अभी तक, ठीक है. Then they came to the place which God has told him, and Abraham built an altar there and placed the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called him from the heavens and said, Abraham, Abraham, ruk ja Abraham, churi uthai to. So he said, here I am, main idhar hoon. And he said, do not lay your hand on the lad. Bacche ke upar mat haath utha. Do not do anything to him. Uske saath kuch na kar. Fear God, Allah se dar, Khuda se dar, not Allah. Since you have not withheld your son from me, the Abraham lifted his eyes, looked at the behind him was a ram. Ek ram mila. Achha, usne to kaha tha lamb milega. Lamb mila nahi, ram mila. Jab ram mila, to lamb kon hai? Lamb eventually kon hai? Woh Yesu Masih hai, jo khuda ka barra ya khuda ka lamb ban ke aya. Aur ye jo khuda ka lamb ban ke aya, ye humare paas kahan pe hai? Ye humare paas John chapter number 129 ke andar hai. Hame bataya jata hai ke जो वो बड़ा था वो कौन था, ये देखिए आपके सामने. द नेक्स्ट डे जॉन सॉ जीसस कमिंग टुवर्ड्स हिम एंड सेड बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड. वो खुदा का बर्रा आया है जो कि दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर उठा के लेके जाएगा. सो जो रैम की उस वक्त सेक्रीफाइस हुई, एक अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस हुई जो कि कंप्लीट हुई यीशु मसीह के अंदर, क्योंकि वो खुदा का अपना इकलौता था. देखिए ये एक कंप्लीट पिक्चर है. इस्लाम इस पिक्चर में पूरा उतरता नहीं है क्योंकि कवनेंट इब्राहिम से एस्टैब्लिश कब हुआ किसी के पेओ को नहीं पता, ठीक है. आइजिक करते हैं ये, आइजिक की कुर्बानी क्यों होनी है किसी के पेओ को नहीं पता. अच्छा, आइजिक की कुर्बानी क्लियरली लिखी भी नहीं हुई, इसहाक की कुर्बानी क्लियरली लिखी भी नहीं हुई, तो किसकी कुर्बानी हुई ये उन्हें पता नहीं है. बच्चे की, बेटे की, फर्स्ट बॉर्न की, मोनोगनियस की, उसके अपने सच्चे बेटे की कुर्बानी क्यों, ये भी लिखा नहीं हुआ. हैगर और सारा, यानी हाजरा और सारा, इनमें से किसका कौन सा बचा था, कुरान आपको नहीं बताता. अच्छा, फिर ये तफसीरों में बिब्लिकल रेफरेंसेस लिए हुए जगह जगह से, क्यों, ताकि इसको जस्टिफाई कर सके, क्योंकि कुरान नहीं बताता. मोहम्मद को अंब का पता नहीं था, ठीक है. मोहम्मद क्या करता था, ज्यूइश ट्रेडिशन से ये बातें सुनता था और बोलना शुरू कर देता था, और उसे पता नहीं था किस वक्त किसका नाम डालना है, उसको पता नहीं था, लिहाजा उसने नाम डाले ही नहीं हुए, ठीक है. तो ये बेसिक मुद्दा था आज की पूरी लाइव स्ट्रीम का, कि भाई तुम लोगों को अंब का नहीं पता, तुम अपने आप को इब्राहिमिक दीन कहते हो, तुम लोगों को अंब का नहीं पता, कुरान तुम लोगों को एक टके की इंफॉर्मेशन नहीं देता, तुम लोग जो है ना उसको लेके चल रहे हो. और अगर खुदा ने, जो कि लिखा हुआ ना कि बदीहल अजीम, कि खुदा ने एक अजीम कुर्बानी दे दी, भाई अगर अजीम कुर्बानी दे दी तो क्रिश्चियन इसी वजह से कुर्बानी नहीं करते अभी तक, क्यों, क्योंकि अजीम कुर्बानी हो चुकी है, फदिया दिया जा चुका है, और वो फदिया किसने दिया है, यसु मसीह ने. जब दे दिया फदिया यसु मसीह ने तो बात खत्म हो गई है, गेम ओवर हो चुकी है, उसके बाद मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है. ये टोटल प्रॉब्लम है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, जो कि ये लोग बोल ही नहीं सकते. शर्मा जी, आपको समझ लगी, वेदर आप, मुझे पता है आप क्रिश्चियन नहीं है, और मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये डिफरेंस है जो कि ये समझ ही नहीं सकते. जब ये समझ जाएंगे तो वो अपने आप ही उसको देख लेंगे ना, कि उसमें थोड़ा नकल में थोड़ा अकल चाहिए होता है, थोड़ा वो बीच में से उठा लिया और अपना उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है उनका. तो मोहम्मद जी का तो अपना, उनको तो अपना वो जो उनका क्लैन था उसको बढ़ाना था, वही चीज आज तक चल रही है. इनका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, जैसे इन लोगों का ये मौलाना मतलब जॉम्बी टाइप लोग हैं, ये बस माइंडलेसली जाते हैं, पैसे देते हैं, मैन पावर देते हैं, और ये
मौलाना टाइप लोग इनको अपने हिसाब से मैनुपलेट करते हैं और ये अपने जो इनका स्ट्रेटजी है चलता रहता है। ये इसमें आप जैसे लोग जब आते हैं तो चुप भी रहे होंगे बहुत इसमें। और एक एक और वो था कि कोई अभी आपसे बोल रहा था कि बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से तो गंदगी पड़ी होती है तो उसको साफ करने के थोड़ा स्क्रब करना पड़ता है, तो एब्यूसिव लैंग्वेज तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। और जितना इस मतलब इस्लाम की जो जैसे डिजीज़ होती है ना, इसको आपको हटाने में थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ता है। और लॉजिक नहीं है इन लोगों के पास, इरेशनल है, उसमें डिफेंड करने की कोशिश करते हैं नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो या तो एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर वो जैसे आपको कई बार कहते हैं कि चेहरा दिखाओ और जगह बताओ, वैसा हो जाता है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अब ड्रॉप हो जाता हूँ, आप किसी और को ऐड कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा फेरोज, फेरोज साहब तुमने गालियाँ निकाली हैं मेरी स्ट्रीम में, तुमने अभी तो गाली निकाली, अभी तुम्हें मैंने 5 मिनट का म्यूट दिया, टाइम आउट दिया, तुमने मजीद निकाली तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, तुम्हें पता नहीं है मेरा, ठीक है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को जितनी गालियां पड़ती हैं, ठीक है, और तुम पाकिस्तानी लग रहे हो मुझे, तो लिहाजा बकवास करनी बंद करो, यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारा करिया कर्म यहीं पे करूंगा। जी बंदकर साहब, आप तो बात कर चुके हैं, आपका भी काफी डिफिकल्ट नाम है, बोलनी है तो सर बोल दें। जी सर एक तो आपको बधाई हो लिंक शदीप पिशाच प्रथा से बाहर आने के लिए, बहुत बहुत सर। क्या सॉरी, एक्चुअली हमारी भविष्य पुराण करके है एक प्रण, मैं ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर इसको लिंग छेदीप पिशाच प्रथा बोला जाता है, पहले का लिखा हुआ है। ओके, अबाउट मुस्लिम्स एंड एवरीथिंग, बट इट्स ओके। तो अभी मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जो आप लोगों के अंदर हदीस काफी ज्यादा जरूरी होती है ना नॉलेज के लिए, क्योंकि कुरान इनकम्प्लीट है ना, इस वजह से हदीस बहुत जरूरी होती है। ओके, तो उसके अंदर हदीस की ऑथेंटिसिटी भी बहुत जरूरी होती है ना, आप लोग जब किसी चीज की रेफरेंस लेते हैं इसके ऊपर, बट एनीहाउ कैरी ऑन। ओके, तो इसके अंदर मेरे को ये पूछना था कि आपके हजरत आयशा जी की हदीस की ऑथेंटिसिटी कितनी होती है, उसकी परसेंटेज कितना है? सर प्रॉब्लम ये नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है चेन ऑफ नरेशंस, ये इसके ऊपर चले जाते हैं ताकि वो किसी ना किसी तरीके से बहुत सारी चीजों को ज़ईफ कर सकें, क्योंकि आयशा ने जब बोला था तो आयशा ने जब बोला था वो लिखा नहीं गया था, लिखा गया 200-250 साल के बाद। तो मैं इसीलिए लोगों से यही कहता हूँ कि भाईजान कुरान भी तो 200-300 साल के बाद ही लिखा गया, तो वो मुझे आयशा ने जो बात कही है वो हम तक आयशा से पहुंची नहीं है, वो 10 बंदों के थ्रू पहुंची है। बट अगर 10 बंदों के थ्रू भी पहुंची, अगर जस्ट इमेजिन, अच्छा टर्लोनियन सुने, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि टर्लोनियन जो है वो बहुत ही अच्छे बंदे हैं, ठीक है। अब मैं मर गया, मेरे मरने के बाद कौन से भाई हैं यहाँ पे, साजिद साहब बताते हैं, किसको बताते हैं, वो द विजनरी साहब को बताते हैं कि जी एडम साहब ने बोला था टर्लोनियन जो है ना बहुत ही अच्छे बंदे हैं। अच्छा जो विजनरी साहब हैं, अब साजिद साहब के मरने के बाद विजनरी साहब ने किसी मोहम्मद अली साहब को बोला कि टर्लोनियन जो थे ना वो खाना बड़ा अच्छा खाते थे, ये एडम ने बोला था। अब आगे से किसी और ने किसी और को बोला कि टर्लोनियन साहब बहुत अच्छा डांस करते थे, अब मैंने ये बोला है कि टर्लोनियन साहब बहुत अच्छे थे, लेकिन एंड में जाके बात पहुंची कि टर्लोनियन साहब डांस बहुत अच्छा करते थे। असल में हदीस में ये प्रॉब्लम है, आयशा ने क्या बोला और 5 नस्लों के बाद अगले ने क्या लिखा है उसको चेन ऑफ नरेशन कहते हैं, क्योंकि लिखी जा रही है 5 नस्लों के बाद, ठीक है। तो असल में आयशा ने कहा है ओके, लेकिन वो कहते हैं कि आयशा की ये बात किस चेन ने हम तक पहुंचाई है, उस चेन में हर बंदा सादिक व अमीन होना चाहिए। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि आयशा ने जोन सी बात गलत सलत कही है उसकी चेन में से किसी एक आधे बंदे को कहते हैं ये बंदा ज़ईफ है, ताकि उस चेन को तोड़ सके कि चूंकि ये बंदा ज़ईफ था उसने आयशा की बात को रद्दो बदल कर दिया था, इस तरीके से गेम बनाते, समझ लगी? तो अगर अपन यहीं पे आयशा की हदीस की, हजरत आयशा की कोई भी एक सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट हदीस लेते हैं, सबसे ऑथेंटिकेट नरेटर की, ठीक है, जो जो ये लोग सब कुछ जिसको ये सबसे ज्यादा मानते हैं, बट स्टिल वो कैसे मैटर करता है, क्योंकि आयशा तो फीमेल है और हजरत आयशा की
क्या बोलते हैं, उनकी गवाही तो आधी मानी जाएगी, तो उनकी तो सारी हदीस ऐसे ही खारिज हो गई ना, क्योंकि वो तो फीमेल है ना। गुड क्वेश्चन, आई लव दैट क्वेश्चन, ऑसम, मुसलमानों से पूछिएगा। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात की आपने यहाँ पे। ओके, और मेरे को दूसरा ये पूछना था, जब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बाई चॉइस यहाँ पे रुके, मतलब ये हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर इन्होंने काफिरों के साथ में रहना क्यों चूज किया, गलत मतलब इन्होंने ऐसा क्यों ना, कब्जा किया हुआ था ना सर, कम ऑन, बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार। आप कहाँ पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं? इंडिया में। तो फिर मुसलमानों ने कब्जा किया था कि बाई चॉइस वहां पे पहुंचे थे? कब्जा किया था, बट साथ में एक्चुअली रह रहे थे, तो फिर अभी मतलब ये कब्जा किया था ना यार, कैसी बात है, अगर कब्जा करके वहां पे उनकी औरतों के साथ सेक्स करके बच्चे जमे, उनको मुसलमान किया, वो यार कम ऑन मैन, बी रीजनेबल। हाँ, मैं भी मैंने शायद मेरा आप मुझसे सवाल ही नहीं कर सकते, कम ऑन। आखिरी क्वेश्चन मैंने शायद है ना, मैंने ये वाला जल्दी पूछ लिया, मेरे को एक चीज पूछनी थी कि इन सारों को एक चीज तो 100% पता है ना, कि ये लोग अरब से आए थे, लूटपाट की, जबरदस्ती कन्वर्ट करके मोमडन बनाया, करेक्ट? तो इनकी डिग्निटी, इनकी सेल्फ एस्टीम इतनी, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट क्यों नहीं करता कि सालों हम तुमने हमको ये बनाया, हम वापस हमारे पुराने अवतार में चले जाएंगे, जो था हम, जो हम थे, तो इनको ऐसा क्यों नहीं महसूस होता है, ये वापस वही क्यों रहना चाहते हैं, इनको इनका जमीर क्यों क्यों अलाउड करता है? उनसे पूछे सर, उनसे पूछे, ये मेरे लिए सवाल नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप थोड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। Thank you, sir. Okay, you can keep, I don't know how to leave it. Okay. आप leave studio कर देते तो चले, कोई बात नहीं, I'll remove you. जी जनाब, आखिरी पॉइंट सर, 15 मिनट में स्ट्रीम बंद कर रहे हैं, बस कर दें, स्ट्रीम बंद करें, 6.5 घंटे हो चुके हैं, one minute. Hello, जी सर, 1 minute. Hello. जी सर. Adam भाई, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मतलब आपने और जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, सचवाला जी और साहिल भाई, सारे लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। एक्चुअल में भारत में मतलब लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इस भाई में भाई कौन, भाई भाई कौन है, चारा चारा कौन है सर, आप लोगों की सही आप लोग हैं चारा और मुस्लिम हैं घोड़े, बस वही वही वो भाई भाई हैं, उनका मुस्लिम चारा और हम लोगों को उन्होंने बना रखा था चार। बस अभी मैं आपको बता, बस एक मैं आपको एक मतलब कितने हिपोक्रेट हैं मुस्लिम इंडिया के, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ आखिरी बार सर। जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं दे, जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये सारे मुसलमान नहीं है, अच्छे मुसलमान भी हैं, जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं दे। अच्छा मैं बताता हूँ कि जो चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं आपको एक बार बताता हूँ, अजमेर शरीफ की दरगाह है अजमेर में, वहाँ के जितने भी खादिम थे उन्होंने खुलेआम बोला कि हम हिंदुओं की दुकान नहीं चलने देंगे, हम रघु शर्मा का जो सर काट के लाएगा उसको अपना घर दे देंगे। और आज के डेट में जब वहाँ की सारी बुकिंग हिंदू कैंसिल कर रहे हैं, हिंदुओं ने जाना बंद कर दिया, तो क्या बोल रहे हैं कि जो हिंदू हैं उनको ना उनके उनको भड़काया जा रहा है और उनको दरगाहों पर जाने से मना किया जा रहा है। मतलब okay. तो हिंदुओं ने दरगाह पे जाके जाना क्यों है, पहले मुझे बताएं, हिंदुओं ने दरगाह पे जाना क्यों है भाई, क्यों जा रहे हैं? यही 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 तो बेवकूफी थी, शुक्र है कि नहीं जा रहे, अच्छी बात। 70% जो अजमेर शरीफ की इनकम थी वो हिंदुओं के थ्रू थी, अच्छी बात है, मत जाओ यार, कोई ना जाए अजमेर शरीफ, प्लीज क्यों जा रहे हो यार? आज सर, आज मैं बता रहा हूँ भाई, आज के डेट में केवल 10% जो मुस्लिम मुस्लिम है केवल वही जा रहे हैं। हेलो, जुम्मे के दिन पूरी अजमेर शरीफ खाली थी। हेलो, ये जो 10% लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं वो भी क्यों जा रहे हैं? हेलो, मुस्लिम नहीं है वो, मुस्लिम नॉन मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ यार, नॉन मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। अरे सॉरी यार भाई, कल से निकल गया, वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम जा रहे हैं, मुस्लिमों को हिंदुओं ने जाना ही बंद कर दिया, हिंदुओं ने जाना ही बंद कर दिया। और अब मैं बताता हूँ कि वो जो अपना घर देने की बात कर रहे थे ना, अब उनको अपना पेट पालने के लिए अपनी घर बेचनी पड़ेगी, ऐसी कंडीशन हो गई अभी अजमेर में। ये सब जानते क्यों हुआ? ये सब हुआ आप लोगों की वजह से, जो आप लोगों ने बताया कि एक्चुअल में ये है क्या, ये कल्ट है क्या, ये जब दबे होते हैं तो क्या करते हैं, जब बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोग ऐसे ही लगे रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। हाँ जी, अब कौन हेलो हेलो कर रहा था यार, जो दूसरा बंदा जब बोल रहा था उसके बीच में हेलो हेलो क्यों करते हो यार, वेट कर लो उसकी बात खत्म होने का फिर बोल लो, कौन है भाई, कौन बोलना चाहता है? हेलो, विनायक बात कर रहा हूँ। जी विनायक, जल्दी से बोल दे सर।
हाँ जी नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और जैसा आपने अभी 5 मिनट पहले किसी से बोला कि शायद अगले 4-5 साल आपको ऐसे छुपना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ऐसे कि इतना वक्त नहीं लगेगा, अगले 1 साल में ही आप सब खुल के सामने आ सकेंगे। और इस विषय में मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। आमीन बोल दे सब। रोता क्यों है अभी? तो ये फड़का दिया तेरे, इतने मोमिनों को फड़काया, तू भी आ जा, तेरे को भी फड़का दूंगा। जी सर प्लीज। हाँ जी, तो इस विषय में मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ और कोशिश ऐसी कर रहा हूँ कि जैसे ये यहाँ भारत में जो घर वापसी वगैरह ऐसा कुछ जो होता है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि इस्लाम छोड़ने के बाद वो क्या बनता है, एथीस्ट बनता है, एग्नोस्टिक बनता है, क्रिश्चियन बनता है, हिंदू बनता है, बौद्ध बनता है, कुछ भी बनता हो, लेकिन मुस्लिम नहीं है इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हो सके जल्दी से जल्दी, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ के और अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ, उसका इन्फॉर्मेशन भी शायद 1-2 महीने में दूंगा मैं आपको के वर्ल्ड वाइड हमें कॉल देना है ऐसे के रिटर्न टू इथनिसिटी। फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट ले सकता हूँ सर? आपने ऑलरेडी 1 मिनट ले लिया सर, और 1 मिनट के लिए पूछ रहे। हाँ, हाँ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कुछ पारसी लोगों से मिला, 200 में से कुछ 2-4 ही है, उनमें से कुछ लोगों से मिला। हाँ, हेलो। नहीं नहीं, उनको मैंने सिर्फ इतनी बात बोली कि आपकी कम्युनिटी से में भी मैं ये आवाज सुनना चाहता हूँ कि आई वांट माय पर्शिया बैक। सर कैसे करेंगे, चुवानी के बराबर नहीं है, वो कैसे बैक कर लेंगे यार? बच्चों वाली बात नहीं करवाना है उनको तुमने? नहीं 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 नहीं, थोड़े से पारसी रह गए, वो कैसे पर्शिया आएंगे, मरवाओगे तुम उन्हें? वो आएंगे, उन वो भी आवाज आएगी, 1-1.5 साल में आएगी। और दूसरा जैसे इराक जो है वो मैसेडोनिया है ना, पुराना वाला। हेलो हेलो, तुम बोलो। कौन है यार, ये कौन है जो पीछे से लगा हुआ यार? हाँ, इराक जो है मैसेडोनिया था ना, वो पुराना, जहाँ का वो अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, वो ऐसे मैं कुछ वर्ल्ड वाइड कुछ लोगों से कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ, और रिटर्न टू इथनिसिटी ऐसा कॉल देना है जिसके बारे में मैं 1-2 महीने में आपसे फिर से हो सके तो मेल पे कॉन्टेक्ट करूंगा। चलिए सर, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू। परवीन कुमार, थैंक यू फॉर सुपर स्टिकर। हेलो जिशान भाई, जरा सुपर चैट्स पढ़ना शुरू करें पहले, सुपर चैट्स लोगों की काफी रहती है। आदम आप खाते इब्लीस का शैतान ने 400 रुपए सुपर चैट दिया है। आदम आप खाते बोलते हैं तो कभी, ये तो पढ़ा हुआ सुपर चैट आइटम है सर। आपके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, लेट जिशान स्पीक। जिशान आप बोलिएगा नेक्स्ट टाइम। हां नमस्कार टू साहिल भाई एंड ब्लेस यू एडम साहब। सर थैंक यू सो वेरी मच। दोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दफा हमारे चैनल को आज सपोर्ट किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। हाउ किलिंग एनिमल्स कैन बी कॉल्ड सैक्रिफाइस? इट्स इजी टू बाय एंड किल एनिमल्स। इफ यू रियली वॉन्ट टू सैक्रिफाइस देन सैक्रिफाइस समथिंग दैट्स क्लोज टू योर हार्ट, वाई नॉट सैक्रिफाइस योर किड्स? सर यही तो प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं किड सैक्रिफाइस कितना बड़ा प्रॉब्लम है। जी सर नेक्स्ट। सर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं एडम इज इन हायर डिमांड देन अ कसाई ऑन ईद। बेंजामिन जी बेहतरीन कमेंट है आपका। बेंजामिन जी लव यू।
सर फिर ये सुन्नी टनाटन है $5, मैं जहन्नुम से बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे पिछवाड़े में जंजीर डाल रखा है, कसम से क्या मजा आ रहा है भाई। लाहौला वाला कुवता काफी एंजॉय करने लगता है, फुल टाइम गए हैं आप। सर नो रूम फॉर हेट एक्सेप्ट इन रिटर्न ₹400, दिस वन फॉर बिग लाफ्टर। माशाल्लाह सर आपका नाम ही लाफ्टर है। राघव झा बोल रहे हैं, नबी के सपने में 72 हुर्स 70 जिलमन आता जिहाद। गिलमान मर्द होते हैं जो बच्चे मिलेंगे मोतियों की तरह बिकते हुए। सर बेहतरीन बोला सर आपने। सर ₹40 और फिर से भेजे हैं फॉर एडम्स लाफ्टर स्टाइल। नूरूम फॉर हेट एक्सेप्ट एंड रिटर्न। बाप रे बाप तेरी कौन सी कल सी थी। सर एनआईम ठंडाई ₹100 का चैट है, लेडीज एंड हबीबीज दिस इज योर फेवरेट मुर्तद, बिग फैन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर। फिर ये सुपर स्टिकर है, पापड़ करारे जी ने $3 का सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू पापड़ करारे जी। मोमिन नहीं मोमो, रसूल मोमो, हजरत उमर बिन अल खताब ने ₹40 का सुपर स्टिकर दिया सर, बेशक रसूल मोमो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान से जी ₹100, थैंक यू जी सर। तो आंटी आपकी सबसे प्यारी चीज 5 दिन पहले आई है, बकरा है। पार्थिक जी बहुत मेहरबानी सर, सुपर स्टार बड़े मजे मजे के होते हैं हमारे पास। लड़का है एडम ये। वो सर पता नहीं किस रेफरेंस में कह दिया था, उस वक्त वो लड़का ही था, लड़की की आवाज लगा के चेंज करके आया था वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करके, और उसने अपने आप को हां यानी कि जो उसने कॉन्टेक्स्ट वर्ब यूज किया था वो मुजक्कर वाला यूज कर लिया था, पकड़ा गया था वहां पे। राहुल जी ने ₹400 का सुपर स्टार दिया सर, थैंक यू। हेट ऑलवेज ब्रीड मोर हेट। बेशक एडम भाई ये लड़का है, इस इतना मैनली वॉइस किसी लड़की का नहीं होता, ये सर उसी सुपर चैट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पकड़ा गया था सर, उसने वर्ब भी यूज कर लिया था ना मर्दाना, यूवी जी ₹400 का सुपर स्टिकर दिया है यूवी जी, बहुत धन्यवाद आपका सर। फिर ये देवराज है, एडम कैन यू मेक अ स्ट्रीम ऑन खालिद बिन वालिद, आई हर्ड ही इज द मोस्ट क्रूएल ऑफ ऑल कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो अ क्वेरी, can mumin reject sahi hadith sir, wo they can reject anything quran ke ilawa they can reject anything, ha kisi bhi cheez mein jo muhammad ki kisi bhi tarike se kuch 19-20 ho rahi ho they can reject it, that's the problem, that's islam, hamare samne reject karenge apne mumin doston ke samne ja ke nahi reject karenge, wo keh rahe hain block karo ji, bilkul ye us waqt tha wo ek banda tha bar bar aa raha ja raha tha, main kehta backside mein jagah rakho, thank you sir। Ganeshan जी हैं, ये कह रहे हैं नमस्ते एडम, इज काउ स्लॉटर मेंशनड इन कुरान, मुस्लिम्स हर्टिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग हिंदूस एंड देयर कल्चर फॉर सेंचुरीज। सर सूरह बकरा के अंदर बकरा का नाम काउ क्यों है, सूरह काउ क्यों है, क्योंकि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह मियां ने कहा इस एक बंदे ने एक बंदे का कत्ल कर दिया, पता नहीं लग रहा था किसने किसका कत्ल किया ना, तो उस बंदे को ढूंढना था, अल्लाह मियां ने कहा एक गाय को ज़िबा करो, गाय को ज़िबा किया गया, उसके शोल्डर की जो टांग है ना, शोल्डर यानी फ्रंट वाली टांग, उसको पकड़ो, उसको पकड़ के ये मुर्दे के ऊपर मारो, ठा मुर्दे के ऊपर मारा ठा, तो उसकी वजह से मुर्दा जाग उठा और मुर्दे ने कहा फलाने बंदे ने मुझे कत्ल किया, तो ये इसी वजह से इसका नाम सूरह बकरा है चैप्टर नंबर 2, क्योंकि उसमें ये वाली कहानी बयान की है। तो आपकी जो गाय है ना, वो मरने के बाद भी उसके गोश्त से भी बंदे को जिंदा किया जा सकता है, बाय द वे FYI, तो ये इस वजह से है वहां पे काओ का स्लॉटर जी सर। सर एक्स हिंदू गायत्री मंत्र प्लीज, ये गौरव बोल रहे हैं। ये क्या होता है सर, मुझे नहीं पता सर, गायत्री मंत्र बेसिकली ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में आते हैं, इनके अपने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस होते हैं। एडम प्लीज कंटिन्यू सर, $10। एडम अब्बू आज आपने कुर्बानी को ही कुर्बान कर दिया, बेचारे बकरे भी रो रहे होंगे और आपको दुआ दे रहे होंगे, कोई तो है जो हमारे साथ है। बेशक सर, थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू जी। आस्क एक्स हिंदू अबाउट राम 4 ब्रदर नेम सन नेम। सर ये वही मतलब राम के 4 भाई और उनके बच्चों के नाम किसी एक्स हिंदू से पूछने के लिए बोल रहे हैं। क्यों पूछने का यार मेरे को, अच्छा वो एक्स हिंदू, हाँ वो एक्स हिंदू जो मोमिन बन गया हुआ था उससे पूछने का, अच्छा मैं याद रखूंगा यार, नेक्स्ट टाइम वो एक्स हिंदू आएगा ना जो मोमिन बन गया उससे मैं पूछूंगा। राम के 4 बच्चों के नाम और क्या पूछा था उन्होंने, राम के 4 भाइयों के नाम और उनके बच्चों के नाम। बेहतरीन, मैं बिल्कुल पूछूंगा सर जी। सर ई फुटबॉल गेमर्स, लोग इस्लाम छोड़ते रहेंगे, मुफ्ती या सर या गैंग बहाने बनाता रहेगा चैनल पर ना आने के,
यहाँ जो चैलेंज करने आता है उनको बोलना चाहिए। बेशक ई फुटबॉल गेमर जी, थैंक यू सो वेरी मच, बिल्कुल दुरुस्त सुनाया आपने भाई, मैं ऐसे ही गला पा रहा हूं, मैं आपको म्यूट कर यार इतना नॉइज। जी सर, राजू सिंह बोल रहे हैं एमजे गुजराती है क्या, एक्सेंट वही है गोधरा कांड। हां एमजे बिल्कुल वही का था, बिल्कुल आप दुरुस्त सुना रहे हैं सर। फिर यार मोमिनो थोड़ी तो इज्जत रख लो हमारी सर ये है। हजरत उमर बिन अल खिताब बोल रहे हैं ये, बिल्कुल जी जहन्नम से बोल रहे थे। एडम यार बड़ी मेहनत से जहन्नम में रुपया कमाते हैं, थोड़ा हमारी भी सुपर चैट पढ़ लिया करो। अरे यार हजरत उमर जी आपकी मैंने काफी सुपर चैट पढ़ी थी, और देख ले मैं किसी की सुपर चैट को छोड़ता नहीं हूँ, एंड में आके मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। ये हो नहीं सकता कि आप लोगों के इतने प्यार को मैं छोड़ दूँ और ना पढ़ूँ, मगर बात ये कि जब डिबेट कर रहा होता हूँ तो बाज दफा जो है ना मुझे सुपर चैट को सितारे लगा के छोड़ देना होता है, तो मैं सितारे लगा के छोड़ देता हूँ, जो बच जाते हैं वो एंड में मैं जरूर पढ़ता हूँ सर। ये बचपन से कुर्बानी होते हुए देख रहे हैं, आज कुर्बानी को पहली बार कुर्बान होते हुए देख रहा हूँ। एडम अब्बू एंड साहिल चाचू तुसी ग्रेट हो। प्लीज कंटिन्यू जी, लव यू ब्रदर। ई मोमेंट ज्यादा मत बोलो, सुपर चैट की बारिश होगी। माशाल्लाह, थैंक यू हजरत उमर जी, बहुत बहुत मेहरबानी। एडम भाई और साहिल भाई आप लोग यहाँ अय्याशी कर रहे हो, मतलब आप तो जन्नत में हो। ये सतीश विश्वकर्मा ₹1000। सतीश विष्णु शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी 3-4 दफा हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये भगवान धोत्री का स्टिकर है, धोत्री जी ने 400 रुपीज का स्टिकर दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पैसा बहुत कमाओ भाई लोग, मेरी तरफ से छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, फूलो फलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। Someone had sent 8000 in super chat, please read it. जी सर मैंने बिल्कुल वो पढ़ लिया था, उसका 2000 और 2000 ऊपर नीचे आया था सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर वाइस जी। एडम की स्ट्रीम सुन के कल सारा मोमेंट साबूदाना खिचड़ी खा के ईद मनाएगा साहिल भाई। ऑसम जी ऑसम। एडम भाई विश दैट यू कम टू इंडिया, यू आर मोर लव्ड हियर एंड पॉपुलर देन पॉलिटिशियंस, इट्स योर कंट्री भाई। कुछ रहो जी, सीरियसली स्पीकिंग मुझे जरा जिस कंट्री में भी मैं हूँ मुझे जरा उस कंट्री का पासपोर्ट लेने दो, इंडिया में आऊँगा, ये मैंने आपको 100% बोल दिया मैं आऊँगा। और मैं इस तरह नहीं आऊँगा कि खाली आऊँ, मैं इंडिया में बॉम्बे में एक बहुत बड़ा स्टेज इवेंट रखते हुए आऊँगा, स्टेज इवेंट में जहाँ पे मैं जिस तरीके से इधर लाइव स्ट्रीम में बात कर रहा हूँ वहाँ पे स्टेज के ऊपर बैठ के जाकिर नाइक की तरह नहीं कि माइक ले लो और एक सवाल किया उसके बाद जवाब दिए कि चलो दफा हो जाओ कोई स्टेज नहीं, जिसने स्टेज पे डिबेट करनी है वो आ सकता है, हर बंदे को आधा घंटा दिया जाएगा और सुबह से लेकर रात तक 8 घंटे की डिबेट करूंगा स्टेज के ऊपर बैठ के। ये मेरा बहुत बड़ा एम है, ठीक है कि मैंने ये पूरा करना है, लेकिन अभी मेरे पास जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का उस पासपोर्ट पे मैं इंडिया नहीं घुस सकता हूँ, तो लिहाजा मुझे जिस कंट्री में मैं हूँ उस कंट्री का एक बार पासपोर्ट ले लें दो, मैं आऊंगा और खुल्लम खुल्ला डिबेट करूंगा, ऑब्वियसली फुल सिक्योरिटी के साथ, मेरी स्टेज के ऊपर मेरे गार्ड्स बैठे होंगे बंदूकों के साथ, लेकिन करूंगा और मैं खुल्लम खुल्ला वहां बैठ के करूंगा, और स्टेज भी वो लेंगे जहां पे कम अज कम 10,000 बंदा आके बैठ सके। डोंट यू वरी, ये मेरा एक बहुत बड़ा एम है, आई विल डू दैट। जी सर दंगे हो जाएंगे सर, दंगे मैं कहता हूँ जो मर्जी हो जाए, मैं आया हूँ जी डिबेट कर रहा हूँ, आओ मेरे से डिबेट करो, मैं मुल्ला हूँ बुला रहा हूँ, मैं भी आया भाई का, आओ यार आप इंडिया आओ, सबसे पहले मैं आऊंगा मिलने आपसे। हाँ सर आइए सर, हम भी मिलेंगे सर। अभी मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट में मैं वीजा नहीं ले सकता ना, प्रॉब्लम ये है, जब तक मैं क्या करूँ कि एडम का असल नाम और उसका असल पासपोर्ट का नाम जब तक मैं शो नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा 2 साल की गेम है, डोंट वरी, इंशाल्लाह आमीन कर दे सारे हम ऐसा करेंगे। आमीन आमीन आमीन। जी सर, यारे मुल्ले चिल्ला रहे माइक में सर। और कोई है सुपर चैट? जी सर ये आपके साथ हो गया, सॉरी ये लीजिए सर। साहिल भाई एंड वसीम भाई वही शख्स हैं, कल शेखर और सुलेमान भाई के स्ट्रीम में सेम क्वेश्चन कर रहा था और गालिब भाई ने 72 हूर और जन्नत एग्जांपल से धो डाला। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली बार बकरे उछल के कुर्बानी करवा रहे हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ा था, बड़ी ग्रेट सुपर चैट है बेंजामिन जी, लव यू। ये मैं सुपर चैट का ये जो है ना मेन्यू बना के रखूंगा बेंजामिन जी, बहुत शुक्रिया। एडम भाई आस्क हिम अबाउट वर्सेस वेयर सोल्जर्स आस्क्ड प्रॉफिट अबाउट कोइटस इंटरप्टस एंड ही सेड इट डजंट मैटर, ही सेड दिस इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर अभी वो बच्चा है हुसैन जिसके साथ मैं बात कर रहा था इस बारे में, बहुत बेबी है, उसको इतना इल्म नहीं है, तो वो बड़ा उसका स्लोली चलना पड़ेगा, उसके साथ स्लोली स्लोली चल रहे हैं। तो ये निशांत पंत बोल रहे हैं, भाई मैंने बहुत मुस्लिम लोग देखे हैं दारू पीते हुए। ओ यस सर, पाकिस्तान में दारू क्रिश्चियन या ये जो है हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम पीते हैं, और कौन है, मुस्लिम ज्यादा दारू पीते हैं, सारी दारू की दुकानें चलती ही मुस्लिमों की वजह से, तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। युवराज सिंह जी ने 799 का सुपरचैट दिया ऑस्ट्रेलियन का, सर युवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सर, शुक्रिया जी भैया जी, आपने काफी हमारी खिदमत की, प्राउड इंडियन। सर मेरे मतलब तीन पॉइंट्स थे बेसिकली, लेकिन तीसरा वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं दो पॉइंट्स केवल बोलना चाहता हूँ। केवल दे दें सर दो पॉइंट्स। केवल सर, आप सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ या फिर आप एशिया का मैप खोल लीजिए बस एक बार स्क्रीन पर। अरे बाप रे, क्यों ऐसी बात, शेयर करें सर, बस सर छोटा सा। अच्छा थैंक यू, स्क्रीन शेयर। अच्छा मेरे साथ एक सनातनी, रुक जाइए जी, मेरे साथ एक सनातनी भाई जुड़े हुए हैं जिनका जो जो डीपी है ना वो उनकी मेरे ख्याल में बेटी की डीपी है, तो भाई अपनी डीपी को चेंज करें, मैं आपको ऐड नहीं करूंगा इस तरीके से, मैं नहीं चाहता कोई मसला हो आपके साथ, अपनी डीपी चेंज करें सनातनी जी। सर स्क्रीन विजिबल है मेरी? नहीं सर अभी तक तो नहीं है, एक सेकंड जी अब आ गई है। जी सर। सर ये जो अभी दो मौलाना आए थे साहिल भाई की स्ट्रीम पर, और काफी सारे आके ये बोलते हैं कि जो सऊदी है वहां पे आयशा को जो 9 साल में हेज आने लगे थे वो इसलिए आने लगे थे क्योंकि सऊदी में लड़कियां गर्मी की वजह से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, क्योंकि वो इक्वेटर के पास। सर मैंने उसकी माँ बहन एक कर दी थी सर। नहीं वो आपने करी थी, वो आपने करी थी, बट जो ये पढ़े लिखे लोग हैं जो लॉजिकली बात करना पसंद करते हैं, अगर आप इस पे देखेंगे तो सऊदी से नीचे इंडिया का केरला और श्रीलंका वाला पार्ट आता है, जब यहाँ पर लड़कियां मैच्योर नहीं होती इतनी जल्दी तो सऊदी में कैसे हो सकती हैं। ये बहुत बड़ा लॉजिक है सर, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं शायद। सर वो जो हरामुद्दीन नहीं था, लुलियास हरामुद्दीन, और सर मेरी एक्सट्रीम है, मेरी एक्सट्रीम है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। 26,000 दफा सिर्फ चली है, मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ 26,000 दफा क्यों चली है भाई, इसको इसको तो आप ये देखे, मैंने चैट में भेज दिया, इसको तो आप सर प्रमोट करें बेहतरीन तौर पे। ये लुलियास हरामुद्दीन ने जो बात की थी, वैसे आपने जो इक्वेटर दिखाया ये तो कमाल ही दिखा दिया, इंडिया के बहुत सारे पार्ट इक्वेटर के नीचे हैं। नहीं सर वो इक्वेटर नहीं है, वो इक्वेटर नहीं है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इक्वेटर ना तो यहाँ से सऊदी से निकलता है और ना इंडिया से निकलता है, ये निकलता है और नीचे अफ्रीका के बीच में से। ओके ओके, तो मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री नहीं है जो इक्वेटर के आसपास भी हो। सही 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 सही, बिल्कुल सही हो गया। सर देखिए लुलियास हरामुद्दीन ने क्या कहा था और मैंने इसका क्या जवाब दिया था, सर आप हंस के तबाह हो जाएंगे, गर्मी में जल्दी हो जाती है। आपकी तो सर सारी स्ट्रीम देखी हुई है। अरे तो फिर बहुत सारे लोगों ने क्यों नहीं देखी है, 26,000 दफा सिर्फ चली है, 37,000 मेरे सब्सक्राइबर और चली 26,000 दफा हुई है, इसीलिए उल्टा रखा हुआ इसको, ये देखो कुमार को इतनी अकल तो जरूर होगी कि अरब बच्चियों में 8-8.5 साल में बच्ची बड़ी हो जाती है। अरब बच्चियां 8-8.5 साल में बड़ी हो जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अरब में गर्मी बहुत होती है इस वजह से जल्दी बड़ी हो जाती है, है ना इलियास, बता दे जरा हमको। मालूम है कि फलस्तीन वगैरह के इलाकों में बच्चियां 10-11 साल में बड़ी हो जाती है, इधर अरब इलाकों में गर्म इलाकों में 8-8.5 साल में बड़ी हो जाती, इंडिया वगैरह जैसा मोतदिल क्लाइमेट में 12-1 साल में बड़ी हो जाती। और फिर थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में चला जा, चाइना वगैरह में 15-16 सालों में बड़ी हो जाती हैं। अच्छा और ऊपर चला जा, रशिया वगैरह में 18-20 सालों में बड़ी हो जाती हैं। अच्छा थोड़ा और नॉर्थ में चला जा, आर्टिक रीजन्स हैं माउंटेना के और नॉर्थ पोल के, वहां पे 25-30 साल में बड़ी होती होंगी। अबे डंगर, अच्छा सॉरी डंगर क्यों कह रहा हूँ, तू अपने बारे में खुद बता, तू क्या है, ये ले ये देखो जी ये क्या कह रहा है, इसकी जिंदगी कैसी हो गई है झूठ बोल बोल के, गधे सुअर कुत्ते कैसी जिंदगी हो जा रही ऑलरेडी। चलिए सर मैं नेक्स्ट पॉइंट रखता हूँ। अरे बाप रे, ठीक है एडम भी आप तो ओजी हो सर, वाले ओजी जो कहते कैसे कमाल से उड़ाया, ये ले अगर ये क्या है, ये ले अगर डालते हो तो सैफरन वाला 600 डालो पान में, have fun but with caution, get some rest.
भाई 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 सेंट्रिया मान 101 सेंट्रीमैन सेंट्रीमैन मैं जो हूं ना वो मैं यूज करता हूं रत्ना 300 उसके अंदर सैफ्रॉन ही है तो मैं रत्ना 300 वाला पानी खाता हूं हल्का पानी खाता हूं उसके अंदर सैफ्रॉन वाला पान है डोंट वरी मैं बिल्कुल सैफ्रॉन वाला और थैंक यू सो वेरी मच आपने $20 का सुपर चैट दिया बिल्कुल आप बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं कि काफी महंगा तंबाकू है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ये बिल्कुल 200 रत्ना 200 है तो वही 300 है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ आप बिल्कुल सही जानते हैं पान को बड़ा मजा आया आपका जी सर भाई मैंने तेरे लिए कैरी की स्ट्रीम छोड़ दी कैरी मनाटी गेमर है सर अरे सॉरी थैंक यू और सॉरी कैरी की स्ट्रीम छूट गई सर सॉरी सर लेकिन थैंक यू आप यहाँ पे हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका एडम ब्रो ग्रेट जॉब खुदा ने मोहम्मद की बकवास तो बकवास बताने के लिए आपको और साहिल को इंस्पायर किया आप हो खुदा के बंदे अल्हम्दुलिल्लाह एडम भाई कुरान में दुर्ग बिल्ड करना अलाउड है दरगाह बिल्ड करना अलाउड है मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड आज तक दरगाह नहीं गया हम हिंदू लोगों को थोड़ा ज्ञान दे दो कुरान में तो अलाउड नहीं है और हदीसों के अंदर भी मोहम्मद ने कहा था कि लानत है उन लोगों पे जो अपने नबियों की कब्रों को इबादतगाह बना लेते हैं लेकिन अगर यही देखो तो सबसे बड़ी इबादतगाह मोहम्मद की अपनी कब्र के ऊपर है जिसको मस्जिदुल नबी कहते हैं तो लानत है तमाम मोमिनों पे जिन्होंने अपने नबी की मैं नहीं कह रहा हदीस में लिखा हुआ है तो मैं नहीं कह रहा भाई मोहम्मद ने जिस चीज लानत भेजी है मुसलमानों ने वही किया वैसे मेरा कसूर नहीं है तो यस मोहम्मद दरगाह बनाने से मना करके गया और ऐसा ही है सर मैं अपना सेकंड पॉइंट रखूंगा बस लास्ट जी है जी सर ये जो भी नॉनवेज खाने मतलब मुस्लिम से अगर बोलेंगे हम लोग कि नॉनवेज खाने में उसमें लाइफ होती है तो ये लोग तुरंत बोलते हैं कि प्लांट्स में भी तो लाइफ होती है जी सर ठीक है तो सर इससे आगे ना बोलें मैं लड़ूंगा तेरे सर नहीं सर मैं मेरे को किसी के चॉइस ऑफ फिटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लॉजिक जो है ना उससे प्रॉब्लम है तो एक बकरे को आप काट दो ठीक है और 4-5 दिन उसे ऐसे ही छोड़ दो उसके बाद उसे जिंदा करके दिखा दो बट अगर आप एक प्लांट को काटोगे उसके बाद दोबारा उसे आप जमीन में गाड़ दोगे तो उसमें लाइफ कभी खत्म नहीं होती यार 5 दिनों बाद तो प्लांट को भी दोबारा नहीं उगा सकता भाई मर जाएगा वो भाई ग्राफ्टिंग टेक्निक अच्छा उसका जो आपने सपोज एक मैंगो है आम है आम को आपने पेड़ से तोड़ा ठीक है वो अगर महीने भर भी रखा रहेगा उसके बाद भी आप उसकी गुठली निकाल के जमीन में गाड़ोगे तो दूसरा आम का पेड़ तैयार हो जाएगा सर तो सर लाइफ खत्म नहीं हुई ना उसके अंदर लाइफ तभी स्टार्ट हो सकती है जब उसके अंदर एनर्जी हो अब तो मुझे बुरा लगना शुरू हो गया अच्छा चलो ठीक है बट मैं स्टेक कैसे खाऊंगा चिकन नहीं नहीं आप टिक्का कैसे खाऊंगा अरे सर आप खाओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट चॉइस ऑफ ईटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये जो लॉजिक डिफाई करते हैं ना कि उसमें भी तो लाइफ होती है तो उसकी प्लांट की लाइफ कभी खत्म नहीं होती है जब तक उसको कुक ना कर लिया जाए बस सर यही दो पॉइंट थे एक और था इलियास हरामुद्दीन के ऊपर बट वो आज ले नहीं पाऊंगा काफी लंबा हो जाएगा लुलियास हरामुद्दीन जी फिर कभी बात करेंगे उनके तो फिर कभी लेंगे अगर आप चाहते हो मैं रुकूं सुपर चैट्स पढ़ने के तो आई कैन स्टे सर आप म्यूट करके स्टे कर लें बाकी लोगों को बोल लेने रोहान खाना नाना जी सर हेलो आवाज आ रही है जी सर आपकी आवाज आ रही है यार रोहन खन्ना बोल रहा है ओके चलो ठीक है एडम भाई खन्ना जी सॉरी इको हो रहा है क्या नहीं सर ओके चलो थैंक यू एक्चुअली बहुत टाइम बाद मौका मिला आपसे बात करने का मतलब महीने भर से आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ और आज भी कितना 7 घंटे बाद आपने आपके पास हमारे यार माजरत सर माजरत हुकम कोई बात नहीं पर आप 5-7 मिनट तो दे देना एटलीस्ट ठीक है तो अच्छा एक छोटा सा सवाल था मेरा फिर अपना थोड़ा सा पॉइंट वन रखूंगा अब ये पूछना था कि अब जैसे 1400 साल पहले मुस्लिम्स आए ठीक है तो जन्नत में जाने का हक केवल मुस्लिम्स को है तो उससे पहले जो लोग थे वो मतलब जहन्नुम में या फिर उनका क्या सीन था सर मुसलमानों का शेवा और कहना ये है कि हर नबी इस्लाम लेके आया ठीक है एक बहुत बड़ी बकवास है लेकिन चले कोई बात नहीं अगर हम चूंकि इस्लामिक स्क्रिप्चर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस्लामिक लेवल के पर रहते हैं कि हर नबी इस्लाम लेके आया और जिस बंदे ने उस नबी के ऊपर पूरा ईमान रखा और जो असल तालीम है उसको माना वो जनती है अब प्रॉब्लम ये है कि कुरान में अल्लाह कहता है कि यहूदियों ने एजरा को खुदा मान लिया ठीक है और ईसाइयों ने ईसा को खुदा मान लिया लिहाजा ये सब के सब झूठे हैं और ये जहन्नमी हैं अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो अल्लाह का असल हुक्म था वो किसी भी और जगह पे नज़र नहीं आता स्वाय इस्लाम के
تو لہٰذا اٹس اے بی ایس, کیونکہ اگر اصل تورا کوئی تھی جو اللہ کی تورا ہے تو وہ اللہ کو دکھانی چاہیے تھی یا پرزرو کر کے رکھنی چاہیے تھی, کیونکہ اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون, کہ اللہ نے اپنا ذکر بھیجا اور ذکر ہی جو ہے وہ اس کا اللہ محافظ ہے, اور قرآن میں ہی اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو تورا ہے وہ ایز اے ذکر بھیجا اور میں نے جو زبور ہے وہ ذکر ہے میرا جو میں نے بھیجا, تو اللہ اپنے ذکر کا خود حفاظت نہیں کر سکا. اس کے اوپر مسلمانوں کی تفسیر آ جاتی ہے پھر, جو کہ وہ ذکر کو صرف قرآن سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو ذکر نہیں دیتے. لیکن پھر ابن کثیر کی ایک اور حدیث ہے تفسیر ہے جس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ ذکر جو ہے اللہ کا محفوظ ہے, لیکن لوگوں نے اپنی انٹرپریٹیشن چینج کر دی. اگر انٹرپریٹیشن چینج کر دی تو پھر تورات پریزروڈ ہے اور تالمود جو ہے وہ غلط ہے. تالمود جو ہے وہ ایک تفسیر ہے, تورات جو ہے وہ ایسی ہے, لیکن تورات کو اگر کمپلیٹلی صحیح مانو گے تو تورات کو مانتے ہوئے تم پھر قرآن پہ نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ تورات کے اندر ذکر ہے کہ تم کیمل نہیں کھا سکتے, تم ریبٹ نہیں کھا سکتے. قرآن کے اندر ریبٹ اور کیمل کھانے کا کہا گیا ہوا ہے. تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے کسی وجہ سے تو, اور وہ کسی اور مرد سے شادی کر لے اور ادھر سے طلاق لے کے واپس آئے, تو پہلے بندے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, وہ جب تک کسی اور شخص سے شادی کر کے واپس طلاق نہیں لے گی تم اس سے شادی کر ہی نہیں سکتے. ایگزیکٹ اپوزٹ, سو آن اینڈ سو فورتھ. دیر آر 613 کمانڈمنٹس ان تورا جن میں سے ایک کو بھی مسلمان نہیں مانتے. تو ان فیکٹ تورات یا تو چینج ہو چکی ہے یا محمد کو پتہ نہیں چلا تورات میں اصل میں لکھا کیا ہوا ہے. تو قرآن اور محمد کی باتیں بہت زیادہ کنٹراڈکٹری ہیں ان معاملے میں. تو اب آپ کی مرضی ہے کس طریقے سے اس چیز کو اپنائیں گے. اوکے اوکے, چلو تھینک یو. اچھا ایک اور چیز میں بول رہا تھا یار, کہ میں جیسے ٹویٹر وغیرہ پہ ڈیبیٹ کرتا رہتا ہوں, تو اب دیکھو ہم تو نان مسلم ہیں, ہم تو یار اتنا تفصیل وغیرہ میں اس سے میں تو جانا جانتے نہیں ہیں, لیکن جو جیسے بیسک آیتیں ہوتی ہیں جیسے ایک 86 چیپٹر 86 5-7 ہو گئی, تو کائنڈ آف سائنٹیفک ہم اس پہ اس کا ریفیوٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اتنی جلیبیاں گھماتے ہیں بھائی, اتنی جلیبیاں گھماتے ہیں, اور پھر بھی اگر ہم جلیبیوں کو سچ بھی مان لیں نا, اس کے بعد بھی وہ رانگ پروو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. جیسے اچھا یہ 86 5 7 جو ہے, جو اس کا ہے ریگارڈنگ دا سیمن ایٹسٹرا, آپ نے اس کا کچھ پکٹوریل اس کا ریفیوٹل کیا ہے کیا سر؟ آپ کو اس کا پکٹوریل کرنا کیوں ہے؟ نہیں, جسٹ فور, مطلب جیسے وہ جلیبیاں بناتے ہیں نا ساری, مطلب کہ سارے جو ان کے فیکٹس ہیں, مطلب کچھ بھی نہ بچا ہو, یا ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو سارا جو ریفیوٹل ہے اگر وہ کر دے تو. اچھلتا ہوا فلوئڈ, ٹھیک ہے, منی اچھل کے ہی نکلتی ہے, ٹھیک ہے, اور عورت کا پانی بھی اچھل کے ہی نکلتا ہے اگر نکلے باہر تو, ٹھیک ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو, مگر 7th آیت میں جاؤ, 7th آیت میں اللہ کیا بتا رہا ہے کہ عورت کا پانی جو ہے وہ پسلیوں کے اوپر سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور مرد کا پانی جو ہے وہ بیک بون سے نکل رہا ہے. مجھے بتاؤ کون سی ایسی سائنس ہے جو یہ کہے کہ مرد کا سپرم جو ہے وہ بیک بون سے نکلتا ہے اور عورتوں کا جو جو ایگ بننے والا پانی ہے وہ پسلیوں سے نکلتا ہے؟ مجھے کوئی ایک سائنس دکھا دو. اس میں ڈیبیٹ کہاں ہے؟ یہ تو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی ڈیبیٹ. نو نو, دیٹس رائٹ, دیٹس کمپلیٹلی رائٹ. لیکن کیا ہے نا, دیکھو یہ لوگ کیا بولتے ہیں, اور میں نے جیسے جو ان کی یہ پڑھی ہے, کیا نام ہے, ٹرانسلیشنز بھی پڑھی ہے, اس میں کہتے ہیں کہ بیک بون اور ریبز ان کے بیچ میں سے نکلتا ہے, ان کے بیچ میں سے نکلتا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے لیے آپ کسی بھی تفسیر میں چلے جائیں جس طریقے سے قرآن لکھا ہوا ہے, بیک بون اور ریبز سے نہیں, مرد کا پانی بیک بون سے, عورت کا پانی پسلیوں سے, ٹھیک ہے. یہ مرد اور عورت دونوں کا پانی نکالنا ہے, آپ نے ایک کا نہیں نکال سکتے. جو آپ کا جو مرد ہے اس کا پانی بیک بون سے ہے اور عورت کا پانی ریبس میں سے ہے, سوری ہاں رب میں سے ہے. تو یہ دونوں ہیں صلب اور وہ جو ریبز ہیں, تو یو کین ناٹ سے کہ ان دونوں کے بیچ میں سے نکل رہا ہے. دیٹس سٹوپیڈیٹی. یہ کس الو کے پٹھے نے یہ والی ٹرانسلیشن کی ہے؟ ارے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یار, اسکرین شیئر کروں. آپ کر سکتے لیکن فائدہ کوئی نہیں نا, لمبی ہو جائے گی بات آج کے لیے. آپ ایسا کریں اس کے لیے, اس کے لیے قران.com پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے لیے آپ دنیا کی کوئی سی بھی تفسیر کھول لیں, جلالین کی کھول لیں, یعنی بہت ہی ہلکا بندہ جس نے پوچھو کہ 2 روپے کی تفسیر صرف لکھتا ہے وہ کھول لیں, باقی سب کو چھوڑیں. چھوٹی سے چھوٹی تفسیر بھی اس کے لیے کھول لیں گے نا آپ, تو وہ آپ کو کلیئر کر دے گا. میں یہ بول رہا تھا کہ ایون دو یہ جو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ غلط پروو ہو جاتا ہے, اس میں بھی یہ غلط پروو ہو جاتا ہے کہ بھائی صاحب اس میں بھی غلط پروو ہو جاتا ہے. ایون پکٹوریلی, مطلب اتنی جلیبیاں گھمائی تھی بھائی ٹویٹر پہ ایک بندے نے, مطلب وہ مسلم اپولوجسٹ تھا, اس کے اراؤنڈ 1000 سے اوپر مطلب فالوورز تھے,
इतनी जलेबियां गई, पहले तो बोला कि भाई देखो ये जो है ना, ये जो आपका जो सीमन है, एक्चुअल स्पर्म नहीं, पहले कोई बंदा कहता था स्पर्म है। सुनो सर, मुझे नहीं सुनना ना, मुझे नहीं सुनना, मैं उसको आपको हुज्जत खत्म कर देता हूं। That issued from between the loins of a man and the ribs of the woman. ये जला लाइन है, इब्ने अब्बास है, सॉरी इब्ने अब्बास है, ठीक है। आगे से कासा, इसको अंसार को क्यों बोले, सलफी है तो सलफी को हम छोड़ देते हैं फिलहाल, आगे करते हैं। जला लाइन क्या कह रहे हैं, इशूइंग बिटवीन द लॉइंस ऑफ द मैन एंड द ब्रेस्ट बोन ऑफ द वुमन, ठीक है। उसके बाद इब्ने कतीर में चले जाते हैं, इब्ने कतीर में देखते थे हम के किधर लिखा हुआ है, क्या है, meaning the sexual fluid comes out bursting from the man and the woman, thus the child is produced, meaning the backbone of the man and the ribs of the woman. Sir, aap duniya ki koi si tafsir khol le yaar, aapko maine char tafsire tha karke dikha di hain, to mera matlab hai ki yani I don't care ki translation mein kis tarike se ghapla kar rahe hain, I don't care about that. Okay. to wo ghapla hai, aap sir tafsire padhna shuru kare na saath mein, mujhe bataye ki ek arbi ko एक अरबी दान उस वक्त का ज्यादा अच्छा समझा सकता है या आजकल का कोई बंदा समझा सकता है, मुझे ये बताएं। उस टाइम का ठीक है, मैंने तीन तफसीरें पढ़ ली है, कुर्तुबी पढ़ लें, तिबरी पढ़ लें, मुझे कोई परवाह नहीं, कौन सी मर्जी पढ़ लें, मैं डाउट ही नहीं कर रहा इसको, तो मैं डाउट ही नहीं कर रहा कुछ। ठीक है ओके गॉट इट, ठीक है। अच्छा एक ये तो चलो आपने कर दिया, अच्छा ये मुझे पूछना था कि मतलब एक्स्ट्रापोलेशन, अरे देखिए हमारे पास सतीश भाई हैं जिन्होंने हमें आज काफी ढेर सारे सुपर चैट्स दिए हैं, 1000 रुपए के, उससे पहले भी 2000 रुपए के, मल्टीपल सुपर चैट्स दिए हैं, वो कह रहे हैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ये बोल रहे हैं एडम भाई, मैं तो सो के भी उठ गया पर आपका स्ट्रीम अभी तक चल रहा है। जी बिल्कुल, तो सतीश भाई देख लें हम कितनी लंबी लंबी गपशप लगाते हैं, और आपने बहुत बहुत हमारे चैनल को सपोर्ट किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अननोन डिजायर जी ने 100 रुपीज का सुपर चैट दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, बहुत बहुत थैंक यू जी भाई। अच्छा एक लास्ट पॉइंट मुझे, आखरी जैसे मैं आपसे एक्सट्रापोलेशन करने को कहूंगा कि जैसे आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जैसे देखते हो, तो आज से आप लगा लीजिए 4 साल पहले या 3 साल पहले जैसे आपने देखी ग्रोथ, ठीक है, अगर उसी ट्रेजेक्टरी पे आप देखो तो आप 4-5 साल बाद इसको कहाँ तक देखते हो, कैसा देखते हो? सर ग्रोथ तो इसकी रुक रही है ना, बल्कि रादर नेगेटिव ग्रोथ हो रही है ना इसकी, आपको भी पता है इस बात, अपोस्टेसी रेट कितना बढ़ रहा है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगले 5 सालों में हम जो कि सिंसियरली काम करे हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो हमें नहीं परवाह कि आप, सब क्वेश्चन था मेरा इसी के अंदर, सब क्वेश्चन था यार, जैसे मैं बताता हूँ यही पॉइंट में लेके कल को एक, मतलब वैसे तो ये पाकिस्तानी और ये सब जो आपके आपको जो रिफ्यूटल देते हैं, रिफ्यूटल करते हैं जो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उन पे ज्यादा व्यूज आते नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चैनल मुझे ऐसा मिला जिसपे 200 लोग बैठे हुए थे, मतलब 200 लोग लाइव देख रहे थे, तो मैं चला गया, मैंने कहा चलो यही पॉइंट करते हैं। पता है उन्होंने क्या बोला इस चीज को, बोले ये सीमन नहीं है, ये एक्चुअल में बच्चा है, विच इज बिटवीन ये जो है आपका क्या नाम है ये रिप्स एंड बैक। आप लोगों को आज तक अकल क्यों नहीं आया मेरा चैनल देख के कि आप कैसी हुज्जत दें, रेफरेंस दें, किसने कहा है? सुनो, अरे वो तो अपना चेरी पिंग था, बेसिकली पॉइंट मेरा ये कि ऐसे लोगों को जिनका मतलब बिल्कुल ही खाली है भेजा, मतलब वो पूरा कुछ भी करेंगे यार, मतलब मैं ये सोचता हूँ ऐसे लोगों को समझ आएगा, और ऐसे फॉलोअर्स जो लोग इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको ही सही मानते हैं, तो ऐसे लोग आपकी बातें सुनेंगे, मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ उनके दिमाग में भी घुसेंगी आपकी बातें। सर वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो हम रेफरेंस मांगते हैं, इसीलिए तो हम रेफरेंस मांगते हैं भाई, हम आपको रेफरेंस दिखा रहे हैं, आप भी हमें रेफरेंस दिखाओ अपनी बात का। दैट इज व्हाई सर देखे, अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी बताऊं, कोई भी मोमिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक मैं रेफरेंस ना दिखाऊं, और रेफरेंस पे भी उसे नहीं मानते अक्सर औकात, नहीं ये है, मैं इसको नहीं मानता, मैं फलाने को नहीं मानता, मैं टमाकड़े को नहीं मानता, एक अजीब गेमें चल रही होती हैं और आप सब देख रहे होते हैं। बात यह है कि जब आप उनकी बात सुनते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कहते रेफरेंस दो, किसने कहा है, इसकी हुज्जत बयान किसने की है, क्यों की है, किस तरीके से की है, क्या इसका आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, ठीक, दैट्स द प्रॉब्लम। तो भाई ये आखिरी सुपर चैट अब हम बंद करेंगे अपना चैनल, बहुत देर हो गई है सर, ये सुपर चैट ले लीजिए सर। सर ये कह रही है अननोन डिजायर है, सर दिस इज एडम सीकर फैन गर्ल, प्लीज सर फॉरगिव मी फॉर माय इनसैनिटी, आई इफ आई वाज यूजिंग एनी काइंड ऑफ एब्सर्ड लैंग्वेज, सॉरी सर प्लीज।
सर नो वरीज, मैंने सिस्टर जी आपके उस कमेंट को रिमूव किया था, उसके बाद भी आप बोल रही थी, मैं देख चुका था आपको, मुझे उस पर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसको रिमूव कर दिया था एंड यू कैन एक्चुअली स्पीक, तो बात खत्म हो गई थी। मगर बहुत बहुत शुक्रिया आपने सिस्टर जी मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सपोर्ट किया, बहुत मेहरबानी जी। ओके जी, अब स्ट्रीम को बंद करते हैं, मैं चलता हूं। ओके, आप सभी को नमस्ते, राम राम। सर थैंक यू सर, टेक केयर। हैं क्या यहां पे साजिद भाई बैठे हैं? जी साजिद भाई ने बात करनी थी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजिद भाई, आप एक्स मोमिन है ना? ये असल में आदत ही ऐसी है ना, सलाम करने का सुकून मिलता है, आप घबराए नहीं। आखिरी बातचीत आपसे। हां जी, अब खैरियत से है ना? आप काफी देर से सुन रहा हूँ आपको, बड़ा सुकून मिलता है सुनकर। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, है सदके। असल में मुझे एक मुस्लिम बनाने में सबसे बड़ा रोल ना औलिया कराम का रहा है, उनकी करामातें तो अच्छी चीज है, ठीक है कि उनकी करामातें सुनकर मैं एक दौरान तबलीग करता था, तकरीर करता था, और आज ना जहाँ पे दिल होता था ना आदम भाई, अब वहाँ दर्द होता है। अरे किस गुमराहियत में जीता था मैं। ओह माय गॉडनेस साजिद साहब, एक तो आप मुझे ईमेल करें, मेरी ईमेल नीचे स्क्रॉल में चल रही है, और जिशान साहब जो है मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे जुड़े हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े। ये जो कम इतना कम वक्त जो है ना, नाकाफी है कि मैं आपके साथ गपशप लगाऊं, मैं आपके साथ और जिशान के साथ जो है ना एक स्पेशल स्ट्रीम बनाऊंगा कि सिर्फ हम तीनों बैठेंगे और एक दूसरे की स्टोरी सुनेंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? वरना इतनी थोड़ी देर बहुत नाकाफी है कि मैं आपको सिर्फ दो चार मिनट दूं और अभी आपकी स्टोरी शुरू नहीं होगी और मुझे कहना पड़ेगा भाई खत्म कर दें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो वैसी हालत वैसे भी काफी खराब हो गई है, नींद काफी ज्यादा इस वक्त चढ़ चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि आपके साथ और जिशान भाई के साथ एक कंप्लीट स्ट्रीम बहुत बनती है कि हम लंबी जोड़ी गपशप लगाएं और हमारे दर्शक भी सुने, कोई घंटा डेढ़ की स्ट्रीम हम लोग एक बनाएंगे। जी जी, मैं भी कहने वाला था, काफी वक्त हो गया है और आपको भी आराम की सख्त जरूरत है, अपने आप को इस तरह नबी की शक्ल में और जिस तरह नबी ने मशक्कतें उठाई आप ना उठाइए, आप आराम कीजिए। नबी रातों रात एक पांव पे खड़े होकर वही उतरने का इंतजार करते थे, आप ऐसा ना करें, आप भी आराम करें। हमारी देखिए नमाज पढ़ाने जाना था, नमाज भी कजा होगी, बताइए कितने गुनहगार आप होंगे, सारे गुनाह का जिम्मा आपके ऊपर जाता है। सर कोई बात नहीं सर, मेरे को ये वाला गुना दे दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया है, लेकिन आपके साथ साथ स्ट्रीम बनती है, मैं जिशान भाई के साथ भी रابطے में हूँ, तो कोई एक हम संडे की स्ट्रीम रखेंगे, ठीक है ना? मैं साहिल भाई के साथ देखूंगा कि जिस दिन वो संडे को अवेलेबल हुआ है तो उन्हें भी बुलाएंगे, तो हम मिलके एक स्ट्रीम करेंगे किसी संडे को, कोई बहुत छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, कोई घंटे दो की, दो घंटे की बस। हाँ, एक बस स्ट्रीम करेंगे, सुनाएंगे किस तरह हम एक मुस्लिम कैसे बने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कुछ लोग अभी भी नीचे स्ट्रीम में जुड़े हुए थे, लेकिन भाई लोगों सीरियसली मैं आप सबको लेना अभी भी शुरू करूंगा तो मसला होगा, मैंने काफी आज लंबी गपशप लगाई है नॉन मोमिनों के साथ, नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ मजीद गपशप लगाएंगे, और आज हम अपनी स्ट्रीम को खत्म करते हैं यहाँ पे ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग लाइव चैट में जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने स्ट्रीम में आए और मैं उन्हें नहीं ले सका क्योंकि मुसलमान बैठे हुए थे और क्योंकि मुझे उनसे पहले बात करनी है, उन सबके साथ मेरे लिए बहुत बहुत माजरत, सॉरी, लेकिन चूंकि स्ट्रीम मुसलमानों के लिए होती है और अगर मेरे आर्ग्यूमेंट्स का आंसर मुस्लिम नहीं देंगे, हिंदू या एथियस्ट या एग्नोस्टिक देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो वी हैव टू गेट अ रिबटल, कि रिबटल वो क्या देते हैं, ठीक है? रिबटल देंगे और आप रिबटल का आंसर सुनेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि हम क्या बता रहे हैं वो वाकई सही है कि नहीं सही है, वरना अगर मैं सिर्फ बोलता रहूं और आगे से कोई रिफ्यूट करने वाला ना हो तो उसका फायदा कोई नहीं होता ना। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक द मुस्लिम्स फर्स्ट, और फिर उसके बाद जब इनमें हम लोग लेते हैं, देख लें आज तकरीबन डेढ़ घंटा 90 मिनट्स में नॉन मुस्लिम्स के साथ ही बात कर रहा था, तो मैं हमेशा एंड में टाइम देता हूँ नॉन मुस्लिम्स को और नॉन मुस्लिम स्ट्रीम के जुड़ते हैं, लेकिन अभी भी नीचे बैठे हुए लोग वो मजीद आते जा रहे हैं, तो भाई मैं वरना तो स्ट्रीम कभी खत्म ही नहीं होगी, मैं 24 घंटे भी बैठा रहूं तो मुझे यकीन है कि मेरे बैक स्टेज कभी खत्म नहीं होएगा, लाइक आई गारंटी, ये मेरे पास गारंटी 100% कि मैं 24 घंटे की स्ट्रीम भी करूँ ना तो कभी ऑस्ट्रेलिया से लोग आ जाएंगे मेरे बैक स्टेज में, कभी अमरीका से आ जाएंगे, कभी यूरोप से आ जाएंगे, कभी इंडिया से आ जाएंगे, यानी 24 घंटे मैं स्ट्रीम बंद ही नहीं कर सकता क्योंकि दुनिया के किसी ना किसी खत्ते में कुछ ना कुछ लोग बैठे हुए जो हमें सुन रहे हैं और वो मेरी बैक स्टेज में आते जाएंगे, तो मेरी माजरत है सब लोगों के साथ, बहुत बहुत माजरत है, लेकिन देयर इज अ टाइम, देयर इज अ लिमिट, हमें इवेंचुअली बंद करना पड़ता है,
तो मैं ये बंद करना है। अब देखें पीछे लोग बार बार कह रहे जी एक मिनट दे दो, एक मिनट, एक मिनट, 60 सेकंड दम, योर टाइम स्टार्ट्स 60 सेकंड। I just want to say one thing. कि अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए, सपोज कर लो जैसे कि अल्लाह को सपोज किया गया है, ये अगर मुर्तद और मोमिन के बीच में वार होता है 2050 तक, एज पर द अपोस्टेसी रेट ऑफ 24% राइट नाउ, 2050 हम मान के चले, तो आपके पास में जो सबसे बड़ा वेपन होगा वो होगा आपकी हंसी। एक एम्पलीफायर यूज कर एंड यू कैन डॉट्स ऑफ मोमिन यूजिंग योर जस्ट लाफ। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सनातनी जी 1 मिनट 60 सेकंड्स। हाय एडम, बात तो बहुत सारे करने थे लेकिन नहीं हो पाएगा, तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात यह है कि मैं पहले जो वो फोटो था वो मेरा बेटी का नहीं है, वो बस एक खून के नदी पे खड़े हुए एक बच्ची का फोटो है ढाका में, कभी वही किसी ने खींचा होगा तो उसका ईद मुबारक के लिए रखे हुए थे। एनीवे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो प्रयास कर रहे हैं, कभी आपसे बहुत लंबी बात करने का उम्मीद रखूंगा क्योंकि हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं ताकि आप जैसे लोग, ये जो वाजिविल कुतल वाले जो लोग हैं ना, इनसे आपको कैसे सपोर्ट दिया जाए ताकि आप भी बाहर आ सको, दुनिया के सामने आ सको, मुंह छुपा के रहने का जरूरत नहीं है। ये भी जैसे तलवार लेके घूमते हैं ना, आप भी वैसे ही आ पाओ। सर आप डिस्कॉर्ड पे मुझे जुड़ जाइए और साथ में मुझे वहाँ पे डीएम कीजिएगा और मुझे ईमेल में अपना डिस्कॉर्ड वाला नाम बता दीजिएगा, मैं आपसे लंबी बात करूंगा। सर बहुत धन्यवाद, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं आपको जिस दिन आप करेंगे उसी दिन आपको पकड़ लूंगा। मेरे पास लिटरली स्पीकिंग डिस्कॉर्ड पे इतने मैसेज आते हैं कि बाद में देर लग जाती है वहां तक पहुंचने में। तो सर प्लीज थैंक यू, आप आए, आपका शुक्रिया। आखिरी 30 सेकंड मांगा इन्होंने एक बेहतर यादव ने जी, 30 सेकंड 25 सेकंड गुजर चुके हैं, आपने अनम्यूट नहीं किया। 20 सेकंड सर आपने अभी तक अनम्यूट ही नहीं किया, बोलेंगे क्या अगर आप अनम्यूट नहीं करेंगे तो। विपिन जी 10 सेकंड, ओके विपिन जी आपको निकाल रहा हूँ, सॉरी क्योंकि आप तो बोल ही नहीं रहे और आपका माइक्रोफोन में मसला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। समझिए कि कट्टरता रिमूव करनी है, खत्म करनी है, चाहे आप किसी भी धर्म में है डज नॉट मैटर, अपना धर्म अपना ही रखें, अपना रिलीजन अपना ही रखें, लेकिन अगर आप कट्टरता खत्म नहीं करते तो आप दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम के साथ सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम यही है कि वो सब लोगों के कत्ल कताल की बातें करता है, और ये मैं वो करता नहीं है, उसके कुरान के अंदर लिखा हुआ है। कुरान को अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो वी हैव अ बिग प्रॉब्लम, या तो कुरान को चेंज कर लो। 28 आयात के बारे में बोला गया था कि वो निकालनी है, निकाल दो ना यार, बात खत्म हो जाती है। नहीं निकालनी, नहीं निकालनी, क्यों नहीं निकालनी? क्योंकि वो कुरान को बदल नहीं सकते, अल्लाह मियां ने भेजा है। प्रॉब्लम क्या है? वही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर आप खत्म कर दो, बहुत हद तक हमारा मसला मसाइल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, सुकून में सब रहेंगे। मुर्तदों को कत्ल करने की जो हदीसें हैं वो खत्म कर दो, क्यों लिखी हुई है वहां पे, क्यों पड़ी हुई है वहां पे, रिमूव करो, रिमूव करो। ईद उल अजहा का दिन है, आप लोग कुर्बानी कर रहे हो, आप लोगों को अंब का पता नहीं है कि आप लोग कुर्बानी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कुर्बानी? अंब का नहीं पता, आज हमने साबित किया 6 घंटे तकरीबन 5.5-6 घंटे हम मुसलमानों से यही पूछ रहे हैं, भाई क्यों क्यों कर रहे हो? किसी को नहीं पता इब्राहिम की सुन्नत है, क्यों सुन्नत है, किस लिए सुन्नत है? अगर ज़िबिया लज़ीम हो चुका है तो उसके बाद आज क्यों कर रहे हो? Nobody knows that. इस्लाम में different different चीजें हैं जिनके बारे में मुसलमानों को आज तक नहीं पता, क्यों नहीं पता? अगर आपको इतना भी नहीं पता तो ये वाले इवेंट्स क्यों मना रहे हो? सिर्फ त्यौहार है, सिर्फ त्यौहार के लिए मना रहे हो? ये तो एक बहुत ही मोंगी चीज है। इस्लाम सिर्फ त्यौहारों के ऊपर नहीं चलता, इस्लाम एक हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर चलता है, और उसकी हर हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर आप क्रिटिक कर सकते हैं क्योंकि कुरान कख नहीं बताता, क्योंकि मोहम्मद ने डिफरेंट जगहों से डिफरेंट चीजों को पकड़ के अपने दीन में दाखिल कर दिया, और मोहम्मद साहब को खुद नहीं पता था, मोहम्मद नाम नहीं लिख सका, मोहम्मद कुछ नहीं लिख सका। मेरे साथ कौन सा मोमिन है जो आना जाता है बात कर जाता है? मैं हर सैटरडे को ओपन स्ट्रीम करता हूँ, और अक्सर औकात नहीं, मैनी टाइम 99% टाइम मेरी स्ट्रीम कुछ और होती है, सवालों जो आप कहीं के कहीं चले जाते हैं और डिफरेंट एंगल दे जाते हैं, मैं ओपन बात करता हूँ। मुझे आके ये मत को फ्लाने से डिबेट करो, फ्लाने से डिबेट करो, जिसने आना है आ जाए, ओपन स्ट्रीम कर रहा हूँ, कौन आना चाहता है आए, डरते क्यों? फ्लाने से डिबेट करो, फ्लाने से डिबेट करो, फ्लाने से डिबेट करो। अपने चैनल पे वो मेरे नाम लेके वीडियोस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए, सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए। जहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है उनके चैनल की वो वीडियो पे व्यूअरशिप बन जाएगा। चैनल है 250 यूजर, 300 यूजर, 1000 यूजर, 1500 यूजर, उनके पास वीडियो चल ही नहीं रही है। एडम सीकर वर्सेस एडम सीकर, लो एडम सीकर की
30 सेकंड की भी बात नहीं होती, बीच में से काट के शो करके बाकी सारा अपना टैटा टैटा की होती है। 15,000 व्यूज, 10,000 व्यूज, 12,000 व्यूज, ओ भाई इधर आओ ना बात करो, उसके बाद मेरी वीडियो को चलाना जिसमें तुमने मुझसे डिबेट की हुई है, पूरी की पूरी वीडियो चलाओ, क्यों नहीं चलाते हो, आओ बात करो, उसके बाद पूरी की पूरी वीडियो की वो कटिंग निकालो और अपने चैनल पे चलाओ, दुनिया को भी दिखाओगे तुमने मेरे साथ बात की है, फिर पता लगेगा ना वर्सेस है, अपने वहां में बैठ के अभी वर्सेस वर्सेस बनाया हुआ है। This is how stupid and idiotic you guys are. Arey sir, you married? Sir, it is okay wherever your marital status is. But sir, please don't call me sister. Main aapki fan hoon bas sir. Okay ji, Miss Fan ji, bahut bahut dhanyawad aapka. Take care. Have a blessed day, evening or night, wherever you are. Yeshua, a